सबको जय यीशु। प्रभु यीशु मसीह के महान पवित्र नाम में आप सब लोगों का इस समय मैं स्वागत करता हूं। आप जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आप सब लोगों का स्वागत है। यीशु मसीह ने कहा कि जहां मेरे नाम पर दो या तीन इकट्ठे होते हैं, मैं वहां उनके बीच में हाजिर रहता हूं और वो हमारे बीच में इस समय हाजिर हैं और हम विश्वास करते हैं कि वो उपस्थित हैं। उन्होंने वादा किया है, मेरे भाई मेरी बहन वो हाजिर हैं, वो यहाँ हैं। ओके, और यीशु मसीह हमारे लिए वो सब कुछ हैं जो एक मनुष्य को चाहिए और ज़रूरत होती है। यदि कोई यीशु मसीह को जानना चाहता है और समझना चाहता है तो उसे यीशु मसीह को उस दृष्टिकोण से समझना होगा और जानना होगा जिस दृष्टिकोण से और जिस समझ से आप किसी को प्यार करते हो और आप किसी के लिए कुछ होना चाहते हो और किसी को अपने लिए कुछ बनाना चाहते हो, उसी दृष्टिकोण से उनको समझने की कोशिश करनी होगी। और जब तक एक मनुष्य का ये दृष्टिकोण विकसित नहीं होता है, कहने का मतलब जब तक कोई इस हिसाब से यीशु मसीह के साथ जुड़ता नहीं है, तब तक परमेश्वर की कोशिश ये रहती है कि मनुष्य उसको जाने और समझे कि वो ही हमारा सब कुछ है। बाइबल में लिखा हुआ है, तू अपने परमेश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी आत्मा से प्यार करना। बाइबल में लिखा हुआ है एक जगह और भजन संहिता 42 वचन 1 में, जब आप पढ़ेंगे साम 42 वर्स 1 में लिखा है, परमेश्वर जिस तरह से हिरणी जल के लिए हांफती है उसी तरह से मैं भी तेरे लिए हांफता हूँ। ये देखो, जैसे हिरणी नदी के जल के लिए हांफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हांफता हूँ, मैं तेरे लिए हांफता हूँ। ओके, बहुत गहरे अर्थ हैं इन एक एक शब्दों के, कि जैसे हरिणी जल के लिए हांफती है वैसे ही मैं तेरे लिए हांफता हूँ। यही व्यक्ति जो यहाँ इस तरह से कह रहा है, अगर आप साम चैप्टर 16 वर्स 8 में पढ़ोगे तो वहाँ पर वो क्या कहता है देखो। और उनके ये सारे शब्द इस बात की पुष्टि करते हैं कि परमेश्वर उसके लिए सब कुछ है। यहाँ लिखा है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। निरंतर यहोवा को अपने सामने रखा है, मतलब मेरी यादों में वो है, मेरी सोच में वो है, मेरी भावना में वो है, मुझे किसी का ख्याल आता ही नहीं है। देखो, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। हमेशा ये परमेश्वर को अपने सामने रखता है, हर वक्त उसके सामने उसका परमेश्वर है। हालेलुया। यही इसी इन्हीं भजनों में एक जगह फिर से लिखा हुआ है, मेरे ख्याल में भजन संहिता 73:25 होना चाहिए, कि तुझे छोड़कर स्वर्ग में और इस पृथ्वी पर मेरा कौन है। हालेलुया, ये सही था। स्वर्ग में मेरा कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। देखो, कौन है वो परमेश्वर हमारे लिए? वो यीशु हमारे लिए सब कुछ है। इस धरती पर सब कुछ,
उस धरती, उस स्वर्ग रूपी धरती पर सब कुछ है, वो हमारा सब कुछ है। आइए हम इस समय प्रार्थना करें और इस प्रार्थना में शामिल हो जाएं और परमेश्वर को पुकारें और विश्वास करें कि वो हमारे बीच में है, उपस्थित है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओके, तो हम इस समय प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको स्पर्श करें और आपको छुएं, आशीष दें। हालेलुया। प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आप ही हमारे सब कुछ हैं, क्या इस धरती पर और क्या स्वर्ग में। सब कुछ हमारे लिए आप हैं। प्रभु आपके हाथों में मैं सब कुछ सौंप देता हूं। मेरे प्रत्येक भाई बहन को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना करता हूं। एक एक को आप स्पर्श कीजिएगा, छुइएगा, आशीष दीजिएगा, बरकत दीजिएगा, आपकी आत्मा से भरिएगा, आपके अभिषेक से भरिएगा, आपकी सामर्थ्य से भरिएगा, आपकी शांति से भरिएगा, आपके प्रेम से भरिएगा। मेरी प्रार्थना है, इसे सुने और ग्रहण करें। यीशु मसीह के पवित्र, महान और अद्भुत नाम में आमेन, आमेन, आमेन। आइए हम इस समय एक भजन गाएंगे। चलना
जब पैर लड़खड़ाए यीशु को याद करना, जब पैर लड़खड़ाए यीशु को याद करना, ख्वाहिशें जब रुलाए, ख्वाहिशें जब रुलाए यीशु को याद करना, करना करना करना, यादें जब सताए यीशु को याद करना, यादें जब सताए यीशु को याद करना, हर एक जख्म को अपने यीशु के खून से धोना, प्रस्तिश खुदा की करना, करना करना करना, जब सांस घुट के आए यीशु को याद करना, जब सांस घुट के आए यीशु को याद करना, ख्वाहिशें जब रुलाए, ख्वाहिशें जब रुलाए यीशु को याद करना, करना करना करना, यादें जब सताए यीशु को याद करना, यादें जब सताए यीशु को याद करना, साथी भी और खुदा भी और है वो सच्चा भाई, और है वो सच्चा भाई, साथी भी और खुदा भी और है वो सच्चा भाई, वो साथ है हमेशा, वो साथ है हमेशा, जिसने है जान जब अपने दिल दुखाए यीशु को याद करना, जब अपने दिल दुखाए यीशु को याद करना, ख्वाहिशें जब रुलाए, ख्वाहिशें जब रुलाए यीशु को याद करना, करना करना करना, यादें जब सताए यीशु को याद करना, यादें जब सताए यीशु को याद करना, यादें जब सताए यीशु को याद करना, यीशु को याद करना, यीशु को याद करना।
यीशु मसीह में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस वक्त मैं आपका स्वागत करती हूँ वचन सुनने के लिए। और इस वक्त आप मेरे साथ एक मन होकर अपने अपने घरों में, जिस किसी भी जगह पर आप बैठे हैं, इस वक्त मेरे साथ एक मन होकर प्रार्थना कीजिए। हे स्वर्ग में विराजमान पिता, हम तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम पर, तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम पर तुझसे कहते हैं पिता, तेरे सिंहासन के सामने हियाव बांध कर आते हैं और यकीन करते हैं कि हम जो तेरी इच्छा के अनुसार मांग रहे हैं, तू ये चीज़ हमें अवश्य देगा। पिता, हम तेरे बेटे यीशु के नाम पर आते हैं और तुझसे मांगते हैं पिता, हमें इस संसार में तेरी ज्योति बना। तेरी ये वचन सुनकर हम अपने जीवन का हिस्सा इसे बना सके, ऐसा हृदय तू हमारे दिल के हृदय को, इस भूमि को तू तैयार कर। हम तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं कि वचन जब भी हम सुने, ये हमारे जीवन में फल उत्पन्न करे, वो फल जो एवरलास्टिंग है, वो जो टिकता है, ऐसा फल। हे पिता, ये हम मांगते हैं तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम पर, आमीन, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस वक्त मैं आपका ध्यान एक वचन की ओर ले जाना चाहती हूँ। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 18 वचन 14, प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्स 14, दस सेज द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, द स्पिरिट ऑफ मैन विल सस्टेन हिम इन हिज इनफर्मिटी, बट अ वुंडेड स्पिरिट हु कैन बेयर। सूक्ति ग्रंथ 18:14, प्रोवर्ब्स 18:14, द स्पिरिट ऑफ मैन विल सस्टेन हिम इन हिज इनफर्मिटी, बट अ वुंडेड स्पिरिट हु कैन बेयर। वचन में लिखा है, वचन में आया है, नीति वचन में, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभल जाता है, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभल जाता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। हमारे पड़ोस में एक सोल्जर है, एक सिपाही भाई है, किसी एक्सीडेंट में इनका पैर कट गया। नौजवान आदमी है, कुछ 30-35 वर्ष का, और एक्सीडेंट में इनका पैर कट जाता है। पैर कटना वो ऐसे हुआ कि डॉक्टर ने कुछ गलती कर दी, सही मेडिसिंस नहीं दी, एक छोटे से एक्सीडेंट के इन्फेक्शन की वजह से वो पूरा पैर खराब हो गया और उसे एम्प्यूट करना पड़ा। ये डॉक्टर की गलती की वजह से हुआ और अल्टीमेटली इनका पैर कट जाता है। जब ये घर पे आए तो भाई जब इनसे मिलने गए तो बताते हैं कि वो तो बड़े आराम से खुशी खुशी कह रहे, अरे कट गया, क्यों, कब कोई ऐसे बुरे एक्सीडेंट के बाद, शरीर के अंग के कट जाने के बाद भी आराम से कह सकता है, अरे कोई बात नहीं, कट गया, इसके बिना भी जी लेंगे। क्योंकि लिखा है, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभल जाता है, चंगा नहीं होता, मनुष्य की आत्मा से चंगा नहीं कर सकती, लेकिन एक काम अच्छा कर सकती है मनुष्य की आत्मा, वो क्या है, वो उसे संभाल लेती है। रोग में मनुष्य की अपनी आत्मा, देखो, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। हमारे टीम में एक ऐसे भाई है, जब एक्सीडेंट हुआ था हमारा, उनकी जीभ मुंह के अंदर एकदम बुरी तरह से कट गई थी, बस छोटा सा हिस्सा रह गया था, लेकिन हम सब के दुख को देख के वो चुप रहे, अंदर खून पीते रहे, जीभ कट चुकी थी और यहाँ बहुत गहरी चोट लगी थी, शायद रीढ़ की हड्डी भी टूटी थी, जांग में भयंकर चोट लगी। इस दर्द के बावजूद हमारे वो भाई खड़े रहे चुपचाप से, मानो कि उनको कुछ हुआ ही नहीं। जब हुआ था एक्सीडेंट, वो ड्राइविंग कर रहे थे और पूरा स्टेयरिंग उनके सीने पे लग गया था, सब चिल्लाए लेकिन वो आदमी नहीं चिल्लाया, वो भाई हमारे नहीं चिल्लाए। हमने देखा क्या आत्मबल है, मनुष्य अपनी आत्मा से रोग में भी संभल जाता है। फिर हाल ही में कुछ ऐसी बात हुई, हमारे वही भाई जिन्होंने इतने भयंकर दर्द में भी आंख में से एक आंसू नहीं गिरने दिया, जिससे कि मेरे आंसू गिरे तो इनका हृदय कमजोर ना हो जाए, यही भाई को हमने देखा, जब परिवार में इन्हें एक धोखा मिला तो ये फूट फूट के रोए, क्योंकि
मनुष्य का आत्मा बल उसे रोग में तो संभाल लेता है, लेकिन मनुष्य की आत्मा ही यदि टूट जाए तो उसे कौन संभाल सकता है। प्यारे भाइयों बहनों, मनुष्य है ही ऐसा प्राणी कि वो अपनी आत्मा से खुद के शरीर को तो कुछ हद तक संभाल लेगा, खुद के शरीर की हानि तो संभल जाएगी, गरीबी में भी वो जी लेगा कुछ हद तक, अरे भीख मांग मांग के भी वो जी लेगा कुछ हद तक। कई लोग हुए इस धरती पे, बहुत ही गरीबी में आ गए ऊंचे पद से, लेकिन हंसते रहे, गरीबी में भी उनका आत्मबल उन्हें संभाले रहा। कई लोग हुए, आपको मैं एक बात बताऊं, रोमन एडमिनिस्ट्रेशन में एक ऐसा सोल्जर था, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा, वो सैनिक ये बताने के लिए कि हम दर्द से नहीं डरते, इस आदमी ने अपना हाथ काट के फेंक डाला जिससे कि वो दुश्मनों को दिखा सके कि तुम हमें दर्द को दिखा के डरा नहीं सकते, क्योंकि हम दर्द से कब के ओवरकम हो चुके हैं। मनुष्य की आत्मा ऐसा कर सकती है कि उसको शरीर के दर्द से और कुछ हद तक इस संसार में तकलीफ जो होती है उसमें भी उसे संभाले रहे। बट देयर कम्स अ पॉइंट इन द लाइफ ऑफ एवरी मैन, हर मनुष्य के जीवन में एक बार तो एक ऐसी हद तो होती ही है, ये निश्चय है। मनुष्य की शक्ति लिमिटेड है, नहीं तो साम्स चैप्टर 62 वर्स 11 में ये नहीं लिखा होता। क्या लिखा है? साम्स चैप्टर 62 वर्स 11 62:11 स्तोत्र ग्रंथ 62:11, परमेश्वर ने एक बार कहा और दो बार मैंने यह सुना कि सामर्थ्य परमेश्वर का है। अरे सामर्थ्य मनुष्य का नहीं है, सामर्थ्य तब होता है जब वो सामर्थ्य हमेशा रहे। स्ट्रेंथ इज स्ट्रेंथ व्हेन इट इज स्ट्रांग एवरी टाइम, इफ स्ट्रेंथ फेल इटसेल्फ इन सर्टेन टाइम्स इट्स नॉट स्ट्रेंथ। अगर शक्ति अपने आप को हरा दे कुछ ऐसे इंस्टेंस पे तो शक्ति नहीं रह जाती। और लिखा है सामर्थ्य केवल परमेश्वर का है, पावर बिलोंग्स टू द लॉर्ड। मनुष्य चाहे कितना भी स्ट्रांग हो आत्मा में, ही इज वीक एट अ पॉइंट। कितने ही सोल्जर्स हुए, सैनिक हुए जो मर गए, जिन्होंने जान प्यारी नहीं समझी, लेकिन ये मनुष्य थे। और बाइबल का वचन लिखा है, वचन में लिखा है प्रोवर्ब्स 18:14, मनुष्य का आत्मा बल रोग में उसे संभाल लेता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब उसे कौन सह सकता है। हु कैन बेयर अ ब्रोकन स्पिरिट। दिस इज अ फैक्ट माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये एक हकीकत है जो बाइबल में लिखी है। और मैं ये कहूंगी हकीकत नहीं, एक सच्चाई है जो बाइबल में लिखी है, जिसका भरपूर फायदा हमारे शत्रु शैतान ने उठाया है। जब से हम माँ के कोक में बने, द मोमेंट वी वर कंसीव्ड इन द वूम ऑफ आवर मदर, परमेश्वर की आंखें हम पे थी, और तभी से हमारी आत्मा को तोड़ने का काम शैतान ने चालू कर दिया। उसने खूब कोशिश की, जब माँ के पेट में आप और हम थे तो किसी तरह माँ के मन में ये बातें डाली जाती है कि इसको मार दे, इस बच्चे को गिरा दे, सफाई करा दे, तू नहीं संभाल पाएगी। परिवार में बातें होती है, अरे हम इसको हटा देते हैं, वी कैन नॉट, हम नहीं संभाल सकते, हमारे ऑलरेडी दो हैं, इसे कैसे संभालेंगे। और अगर पहला है तो ऐसी बातें होती है, गलती से हो गया, इसे किसी न किसी तरह हम मुक्त हो जाए। थिंग्स दैट वुड हर्ट यू बिगैन द मोमेंट यू वर कंसीव्ड इन योर मदर्स वूम। अगर कोई उस क्षण से बच के थोड़ा आगे बढ़ गया और इस संसार में आ गया, कई ऐसे हुए जिनको ये दुख नहीं मिला, माँ के गर्भ में उनकी माँ ने उनके लिए या उनके पिता ने उनके लिए या उनके परिवार ने उनके लिए केवल अच्छी बातें सोची थी, ये उस फेस से तो निकल गए, इस धरती पे तो आ गए, लेकिन जब इस धरती पे आए, इस दुनिया में आए, तो बाद में इन्हें चोटें मिली। द वर्क ऑफ द डेविल इज कंटिन्यूइंग
कंटिन्यूइंग इन दिस वे, मनुष्य की आत्मा को तोड़ना, वो नहीं देखता कि ये मनुष्य बच्चा है या बूढ़ा है या नौजवान है, वो बस ये देखता है कि ये ईश्वर की संतान है, इसको बचने नहीं दूंगा मैं। बट थैंक्स बी टू आवर लॉर्ड जो हमें इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, वो हमें हमारी आत्मा के टूट जाने के बाद भी हमको अपने से जोड़कर हमें नई आत्मा दे देता है। थैंक्स बी टू आवर लॉर्ड थ्रू जीसस क्राइस्ट जो यीशु मसीह के द्वारा हमें नया जीवन देता है। वो टूटी आत्मा अब हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। पता है शैतान ने ये चाहा शुरू से मनुष्य को तोड़ने के लिए, वो तीन हथियार इस्तेमाल करता है। नंबर वन द वर्ल्ड, नंबर टू हिज ओन फ्लैश, एंड नंबर थ्री ही डायरेक्टली अटैक्स। ये वचन हम फिर से पढ़ेंगे, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभल जाता है, परंतु जब आत्मा हार जाए तब उसे कौन सह सकता है। जब बच्चा बार बार कुछ ऐसी बातें सुने जो उसकी आत्मा को चोटिल कर रही हो, तो उसकी आत्मा हार जाती है। जब इंसान की आत्मा हार जाती है तब उसे कोई नहीं संभाल पाता, और तब वो बहुत आसानी से गिर जाता है, बहुत आसानी से पाप कर लेता है, बहुत आसानी से शैतान का शिकार बन जाता है। एक दिन हम डिस्कवरी चैनल देख रहे थे, हम छोटे बच्चे थे, हमारे पापा भी बैठे थे पास में, वो दिखा रहे थे कि एक शेर एक हिरन को कैसे उसका शिकार करता है। शेर क्या करता है, हिरन के पीछे दौड़ता है, उसे पहले घायल करता है, उसके पीछे दौड़ने में ताकत कम लगाता है, वो उसे एक बार पकड़ के घायल कर लेता, और अगर वो जो हिरन है वो बच के निकल जाता तो उसे भगाता है, खूब भगाता है, क्योंकि वो जानता है, वो समझ जाता है, द प्रैक्टिस मेक्स हिम दिस वे। ये जो शेर होता है ये देखता है कि एक ना एक दूरी पे जाके ये हिरन की हार, इसकी हिम्मत तो टूटनी ही है। इस हिरन को जब घायल कर देता है शेर, तो वो थोड़ी देर बाद में हार कर थकान के मारे अपने आप उसकी स्पीड धीरे हो जाती है, और तब ये जो लायन है, ये जो शेर है, उस हिरन को फाड़ के खा जाता है। ठीक उसी तरह शैतान ने बहुत अच्छे से संसार के मनुष्यों को, रिमेंबर द वर्ड आई एम यूजिंग, मनुष्यों को शिकार करने की बहुत सारी स्ट्रैटेजी सीख रखी है। उसको घायल करना, उसकी हिम्मत तोड़ना, उसको घायल करना और उसकी हिम्मत तोड़ना, ये उसका बहुत ही फेवरेट वेपन है, क्योंकि जब उसकी आत्मा टूट जाएगी तो उसे कोई नहीं संभाल सकता। और इस धरती पे जीने वाले 99% लोग वो हैं जो अपनी आत्मा पे ज्यादा यकीन करते, वो अपने आत्मविश्वास पे ज्यादा भरोसा करते, दे बिलीव इन देयर ओन सेल्फ। तो शैतान मनुष्य की आत्मा को तोड़ता है जिससे कि उसकी हिम्मत टूट जाए। प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर ने जब इस धरती पे मनुष्य को बनाया और अपनी प्रजा इज़राइल को सेपरेट कर दिया और उसको कहा कि तुझे मैं ये लॉ देता हूँ, मूसा के द्वारा उसे नियम और कानून दिए और उसे बहुत अच्छे से रखा और देखना चाहा कि ये जो दाखलता मैंने बोई है इसमें कैसे फल आते हैं। आपको मैं ले जाना चाहूँगी इस वक्त नबी इसाइस का ग्रंथ अध्याय 5:1-7 में क्या लिखा है। Isaiah chapter 5 verse 1 to 7. I looked, verse 3 says, okay, अब मैं अपने प्रिय के लिए उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा, एक अति उपजाऊ टीले पर मेरी प्रिय की एक दाख की बारी थी। नेक्स्ट वर्स, उसने उसकी मिट्टी खोदी, उसके पत्थर बीन कर उनमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई, उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने देखा और तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें निकली। देयर वर मेनी अपॉर्चुनिटीज गिवन टू अस, हमें और आपको कई बार नए मौके मिले एक नई जिंदगी की शुरुआत करने की,
कई बार माता पिता ने आपको माफ कर दिया, कई बार आपके सीनियर्स ने आपको माफ कर दिया, आपसे गलती हुई आपको माफ कर दिया गया। यू वर गिवन अ न्यू अपॉर्चुनिटी और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अब की बार कुछ अच्छा करोगे। जैसे इस धरती के लोग करते हैं वैसे परमेश्वर ने भी उम्मीद लगाई इज़राइल से कि ये इज़राइल को जिसको मैंने इतनी अच्छी भूमि पर रखा है ये अच्छे बीज ये अच्छा फल उत्पन्न करेगी। परमेश्वर की नज़र में फल थे गुड वर्क्स जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन क्या होता है, होता ऐसा है कि ये दाख भी उत्तम बीज उत्तम फल नहीं देती है। और इसी बात की चर्चा यीशु मसीह भी नए विधान में करते हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 23 देखिए क्या लिखा है, मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 37। हे यरूशलेम तू भविष्य वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे जाए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। टू होम इज द लॉर्ड स्पीकिंग। परमेश्वर इस संसार के अन्य लोगों से नहीं बात कर रहा जो उसको जानते नहीं थे, परमेश्वर अपने निज लोगों से बात कर रहा है, इज़राइली लोगों से। क्योंकि जब मनुष्य का आत्मा बल टूट जाता है ये कार्य होता है, परमेश्वर जो न्यायी है जो प्यार करता है वो मनुष्य को उसके आत्मा बल के सहारे और उसके भरोसे नहीं छोड़ता है। यीशु मसीह इस धरती पे ये याद दिलाने आया दैट I am not come to leave you orphan। मैं तुमको अनाथ छोड़ने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। उसने कहा कि मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं एक सहायक भेजूंगा। वो सहायक जो जब तुम्हारी आत्मा से जुड़ जाएगा ना तो तुम्हारी आत्मा जो टूटी हुई है ये भी नई शक्ति पाएगी। द लॉर्ड हैड मेड द प्रोविजन। परमेश्वर ने ये इंतजाम कर दिया था कि जो मनुष्य जिनका आत्मा बल टूटता है जिनको ये शैतान अपने अपने चुंगल में फंसा फंसा के पाप करवाता है और उसकी आत्मा को नष्ट करता है इसे आजाद करने के लिए परमेश्वर अपने लोगों से बात करके उसे इंतजाम देता है। उस इंतजाम का नाम है यीशु मसीह। मैं आपको इस वक्त ले जाना चाहती हूं द गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 15 योहन का सुसमाचार अध्याय 15 वचन 1 क्या लिखा है, I am the true vine, my father is the husbandman। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। तुमने दो प्रकार की दाखलता देखी, दोनों को बहुत अच्छी शुरुआत की गई थी लेकिन उन दोनों ने कोई अच्छा फल नहीं उत्पन्न किया। इसीलिए अब मैं आया हूं। ए लोगो, आपको याद रहे ये जो यूहन का सुसमाचार अध्याय 15 है ये यीशु मसीह के फाइनल डायलॉग्स है। यीशु मसीह ये बातें अपने शिष्यों से तब कह रहे थे जब उन्होंने लास्ट सबर वो आखिरी भोज कर लिया था और वो कह रहे थे कि चलो अब हम चलते हैं। और जब वो जा रहे थे मोस्ट प्रॉबली गेत्सेमनी बारी की ओर, जब वो वहां जा रहे थे उस समय अपने शिष्यों से ये कह रहे थे, आई एम द ट्रू वाइन, मैं सच्ची दाखलता हूं और मेरा पिता किसान है। और अगला वचन क्या लिखा है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है और जो फलती है उसे वह छांटता है। आप वचन 4 डालिएगा, 4 और 5, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। लुक एट द वर्ड्स ऑफ जीसस। यीशु मसीह के इन शब्द को ध्यान से सुनो, अबाइड इन मी एंड आई इन यू एज द ब्रांच कैन नॉट बेयर फ्रूट ऑफ इटसेल्फ। आपने अभी अभी पढ़ा प्रवक्ता ग्रंथ में, मनुष्य का आत्मा बल उसे संभालता है। मनुष्य का आत्मा बल उसे कब संभालता है, रोग में संभालता है, लेकिन आत्मा ही टूट जाए तो उसे कोई नहीं संभाल सकता। लेकिन अब यीशु मसीह आते और कहते हैं इफ यू अबाइड इन मी मतलब यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि दाखलता मुझ में बनी रहे तो वह, देखो ध्यान से पढ़ो,
जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फलती, वैसे ये तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। यीशु मसीह कह रहे हैं, तुम्हारा आत्मा बल तुम्हें अब नहीं बचाता। किसी मनुष्य का आत्मा बल एक पॉइंट पे उसे बचा नहीं सकता, उसे संभाल नहीं सकता। बट आई हैव कम कि तुम अपने आत्मा बल से शक्ति ना पाओ, तुम मुझ में बने रहो एंड आई विल गिव यू द स्ट्रेंथ, आई विल गिव यू द स्ट्रेंथ। हाँ, मनुष्य के जीवन में एक ऐसा पॉइंट आता है जिस पॉइंट पे वो हार जाता है। आप सब जन जितने भी मुझे सुन रहे हैं, यदि आप मनुष्य हैं तो आपने ये पॉइंट देखा होगा अपने जीवन में, व्हेन योर स्पिरिट वाज ब्रोकन। आपने बहुत भलाई की, अपने माँ बाप के लिए खूब भलाई की, खूब भलाई की, लेकिन जब आप बड़े हो गए तो उन्होंने ऐसा कुछ किया कि आपकी आत्मा टूट गई। आप एक वफादार नौकर की तरह अपने माँ बाप की सेवा करते रहे, जैसा वो कहते थे वैसा आप करते थे, लेकिन जब बड़े हो गए तो आपके माता पिता ने आपको आपका हिस्सा नहीं देकर अपने प्यारे प्यारे कुछ बच्चों को सारा हिस्सा दे दिया। दिस इज अ लिमिट ऑफ मैन। और तब आपका, आपकी हिम्मत, आपकी आत्मा टूट गई, आपके अंदर अब भरोसा टूट गया, अब आप प्यार नहीं कर सकते। ऑल द गुड फ्रूट्स दैट यू कुड बेयर हैव नाउ सीज्ड। अब आपके अंदर भलाई करने की इच्छा खत्म हो गई, अब आपसे भलाई नहीं होती। जब मनुष्य का आत्मा टूट जाता है उसे कोई नहीं संभाल सकता। बट द लॉर्ड हु इज परफेक्ट, हमारा स्वर्गीय पिता जो परफेक्ट है, वो हमसे ये उम्मीद करता है कि आप अच्छे फल दो एंड गिव दोस फ्रूट दैट विल लास्ट। दिस इज द वर्ड इन चैप्टर 16 वर्स 16, गॉस्पल ऑफ जॉन वर्स 15 वर्स 16 में क्या लिखा है, परमेश्वर की ये इच्छा है कि तुम ऐसे फल उत्पन्न करो जो एवरलास्टिंग हो। तुम्हारे भले काम तो लगते रहे, हमेशा चलते रहे भले काम, और साथ में तुम्हारे भले काम ऐसे हो कि वो लॉन्ग टर्म के हो, वो शॉर्ट टर्म के नहीं हो। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। इसे इंग्लिश में भी डालिए, तुम्हारा फल बना रहे, दैट योर फ्रूट शुड रिमेन। एक और अनुवाद लिखा है, एवरलास्ट शुड लास्ट, योर फ्रूट शुड लास्ट। तुम में फल बना रहे और तुम्हारा फल कैसा हो, एवरलास्टिंग हो। मनुष्य की हिम्मत टूट जाती है तब उससे और भले काम नहीं होते। यहां पर केवल भले काम करने की बात नहीं है। आपको याद रहे, हम यीशु मसीह में आकर, हमें यीशु मसीह में आकर हमसे परमेश्वर ये उम्मीद करता है कि हम हमारे विश्वास की वो अच्छी लड़ाई लड़ें और आखिरी पल तक दौड़ते रहें। हम ऐसी कुश्ती लड़ें कि हम हवा में मुक्के ना मारें लेकिन हम टारगेट पे मारें। हमसे ये उम्मीद की जाती है कि हम अंत तक धीर बने रहे, अंत तक धीर बने रहे। और अंत तक कौन टिका रह सकता है जो बीच में हारता नहीं हो, हु कैन रिमेन टिल द एंड। ऐसा सेवक कौन है जो अपने दूसरे सेवक की देखभाल करता रहे और जब मालिक आए अचानक से तो उसे काम करता हुआ पाए, वो दिल तोड़ के किसी कोने में बैठा हुआ ना पाए, वो हिम्मत हार के बैठा हुआ कहीं कोने में उसे ना ऐसा ना पाए, लेकिन मालिक उसे काम करते हुए पाए। ऐसा सेवक, ऐसा सेवक है जो उसके हाथ से पुरस्कार पाएगा। लेकिन प्यारे भाइयों बहनों, दिस इज अ फैक्ट, यू एंड आई, आप और मैं, हम मनुष्य हैं। हमारी हिम्मत की एक लिमिट है जिसके आगे हमसे कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए यीशु मसीह इस धरती पे आए ये कहते हुए, आई एम द ट्रू वाइन, मैं सच्ची दाखलता हूं, मैं हूं वो दाखलता जिससे, जिसके फल जब परमेश्वर देखेगा तो वो खुश होगा। मुझ में बने रहो, मुझ में ग्राफ्ट हो जाओ, मुझ में बन जाओ, जिससे कि तुम अपने, तुम जो एक डाली हो, तुम में भी फल आए और मेरे द्वारा आए। धन्य है प्रभु का, धन्यवाद है प्रभु का कि उसने यीशु मसीह नाम की एक सच्ची दाखलता हमारे लिए भेजी। यदि यीशु मसीह इस धरती पे सच्ची दाखलता बन के नहीं आए होते तो आप और हम इस जंगली दाखलता जिसके अंदर परमेश्वर जब देखता तो कोई फल नहीं पाता, इस जंगली दाखलता की तरह हम आग में झोंक दिए गए होते। लेकिन हम जो जंगली दाखलता है, उसने ऐसी
मस्त योजना बनाए, द वंडरफुल स्ट्रेटजिस्ट, वो अच्छी युक्ति करने वाले परमेश्वर ने हमारे लिए एक ऐसी युक्ति बनाई। शैतान ने तो सोचा था कि अब ये दाखलता जंगली हो गई है, अब इसका भाग्य मेरे साथ नरक में होगा, लेकिन धन्यवाद उस परमेश्वर का कि उसने अपने बेटे को बोला कि तू जा और सच्ची दाखलता बन के रह वहां पे, जिससे कि ये लोग तुझ में ग्राफ्ट हो जाए। और तब जब ऐसा हुआ, हम जो जंगली डाली हैं, हमको उस यीशु मसीह नाम की सच्ची दाखलता में ग्राफ्ट किया जब जाता है, तो हम डालियों में भी वो फल आते हैं जो फल एक्चुअली हमारे नहीं हैं, वो फल एक्चुअल में यीशु मसीह के हैं। हालेलुया। इसीलिए लिखा है प्रोवर्ब्स 14:18-14 में, मनुष्य अमनुष्य का आत्मबल उसे रोग में संभाल लेगा, और कईयों का तो वो आत्मबल इतना छोटा है कि वो रोग में भी नहीं संभल पाते, लेकिन एक हिम्मत वाले मनुष्य का आत्मबल तो उसे रोग में संभाल लेगा, लेकिन जब उसकी आत्मा टूट जाए तो उसे कौन संभाल सकता है? उसका जवाब परमेश्वर देता है। जब मनुष्य का आत्मबल टूट जाए, जब उसका मनुष्य का आत्मबल टूट जाए उसे कोई नहीं संभाल सकता। ओके, दिस कुड बी अ फैक्ट, बट हियर इज द ट्रूथ। ये जो मनुष्य जो अपने आत्मबल के सहारे संभलने की कोशिश कर रहा है, ए मनुष्य तू अब अपने आत्मबल के सहारे मत संभल, ये आज्ञा मेरा पुत्र यीशु मसीह, अपने आप को इसमें बना ले और इसकी बातें तुझ में जब बनी रहेगी, तुझे कोई तब तक नहीं उखाड़ सकता जब तक कि मैं ना चाहूं। तुझ में वो फल आएंगे जो फल मुझे अच्छे लगेंगे। और आप इसी गॉस्पल ऑफ जॉन, द गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 5 में आप पढ़े क्या लिखा है, मैं दाखलता हूं तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उनमें, जो मुझ में बना रहता है और मैं उनमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इतनी बड़ी बात, एक व्यक्ति का नाम बता दो, चाहे वो आपका काल्पनिक व्यक्ति हो या सचमुच का कोई व्यक्ति हो, वो किताबों का कोई व्यक्ति हो या सचमुच में इस धरती पे आया हुआ ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसने ऐसा स्टेटमेंट बोला हो, विदाउट मी यू कैन डू नथिंग, फॉर विदाउट मी यू कैन डू नथिंग। एक मनुष्य कह रहा है दूसरे मनुष्य से, और जब ये मनुष्य इनसे कह रहा है ना, ये सारे मानव जातियों से कह रहा है कि तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते, तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसी बात बोलने वाला एक शख्स या तो दिमाग से पागल है, या तो उसकी बात में कुछ दम है, या तो इसका दिमाग खराब है कि ये ऐसी बातें कह रहा है कि तुम मुझसे अलग रहकर कुछ नहीं कर सकते, या फिर ये सच में कुछ सॉलिड बात बोल रहा है, इसकी बात में सचमुच में दम है। इसीलिए गाने वाला कहता है, या यीशु को तू अपना ले या कह दे तुझसे प्यार नहीं, या तो इसकी बात को मान ले कि बोल रहा है ये सही कह रहा है, ये कुछ कह रहा है। Let us try to understand what he is wanting to say. या तो कह दो कि ये आदमी ने बोलते बोलते कुछ गलती कह दी, ये एक गलत बातें बोलने वाला आदमी था। प्यारे भाइयों बहनों, यीशु कह रहा है विदाउट मी यू कैन डू नथिंग, और ये यीशु मसीह वही है जो खुद वचन है, ये वचन जिस वचन से संसार बना, ये बोलता है कि तुम मुझसे अलग रहकर कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर तुम सोच रहे हो कि तुमने कुछ किया है, और तुमने ये तब किया है जब तुम मुझसे अलग थे, तो तुमने कुछ नहीं किया है। द डेफिनेशन ऑफ नथिंग फॉर जीसस इज समथिंग एल्स। यीशु जब कह रहा है कि तुम मुझसे अलग रहकर कुछ नहीं कर सकते, तो यीशु कह रहा है कि तुमने जो कुछ किया है मुझसे अलग रहकर, ये सचमुच में कुछ नहीं है। परमेश्वर के नजर में अगर कुछ है, इफ देयर इज सर्टन थिंग कॉल्ड समथिंग, देन दैट समथिंग शुड लास्ट। उसका कुछ होना चाहिए, अस्तित्व। विदाउट मी यू कैन डू नथिंग सेज जीसस। तुम मुझसे अलग रहकर कुछ नहीं कर सकते, अगर यीशु ऐसा कह रहा है, तो यीशु का कहने का मतलब ये है, तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम्हारे भले काम बहुत टेम्पररी है, शॉर्ट लिव्ड है, दे आर नॉट लॉन्ग टर्म। पौलुस कहता है कि हर एक मनुष्य का काम परखा जाएगा, अगर वो भूसा है, अगर वो मट्टी है, अगर वो लकड़ी है, तो ये सब उस दिन
परख दिया जाएगा, उस दिन पता चल जाएगा, जिस दिन इसमें इसको आग में चेक किया जाएगा, जिस दिन इसको वो वचन डालिए, जिस दिन इसको आग में चेक किया जाएगा, वो घास जो घास थी, जो लकड़ी थी और वो जो ऐसी सस्ती चीजें थी, ये सब पिघल के जल के राख हो जाएगी, केवल शुद्ध सोना रह जाएगा। जीसस सेड विदाउट मी यू कैन डू नथिंग। अगर आप सोच रहे हो कि आपने कुछ भले काम किए मुझसे अलग रहकर, तो वो भले काम नथिंग, दैट्स नथिंग, वो कुछ नहीं है। तुमने कोई फल उत्पन्न नहीं किया है। हम में से कई लोग सोचते हैं कीप डूइंग गुड, कीप डूइंग गुड। तुम आपके पास प्रार्थना के लिए, यीशु मसीह में बने रहने के लिए टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, अपने अच्छे काम में ज्यादा फोकस करो, प्रभु आपके कामों से फोकस होगा। यीशु ने बोला, अरे तुम मुझसे अलग रहकर कुछ करोगे तो तुम्हारे काम इज इक्वल टू नथिंग, दिस इज नथिंग, ये गुड वर्क्स इज इक्वल टू नथिंग, ये कुछ नहीं है। सचमुच में अच्छे काम वो है जिनका जो लॉन्ग टर्म होंगे, जैसा कि आपने वर्स 16 में पढ़ा, द सो दैट योर फ्रूट शुड लास्ट, आपके फल बने रहे और एवरलास्टिंग हो। हालेलुया। पता है कई ऐसे पेड़ भी होते हैं जो फल तो खूब देते हैं। उदाहरण के लिए एक आम का पेड़ आपके सामने हो, खूब खूब आम ही आम लगे हो उसमें, पत्तों से ज्यादा आम लगे हो, लेकिन जब एक आम को तोड़ा और उसे काटा तो देखा कि उसमें पूरी गुठली गुठली है, गूदा बिल्कुल नहीं है। तो ऐसा फ्रूट काय का फ्रूट? ठीक उसी तरह यू कुड डू मेनी गुड वर्क्स, देयर कुड बी पीपल डूइंग अराउंड गुड वर्क्स, विदाउट क्राइस्ट इट्स नथिंग, इट्स नथिंग। मुझसे अलग रहकर तुम कुछ नहीं कर सकते। प्यारे भाइयों बहनों, याद रहे, यदि आप भले काम, वो भले काम जो अंत तक आपका, अंत तक का एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग का टेस्ट पार करेंगे, जो फायर का टेस्ट पार करेंगे, ऐसे भले काम आप केवल तब कर सकते हो जब आप यीशु मसीह में बने रहे। यदि यीशु मसीह के वचन आप में बने रहते हैं और आप जब यीशु मसीह में बने रहते हैं तो हो सकता है आपका आत्मा बल भी टूट जाए, आपकी आत्मा भी टूट जाए, लेकिन Thus says the Lord, those who wait on Him, जो उसकी प्रतीक्षा करते हैं, they will mount upon wings like eagles, they will run and not be weary, they will walk and never tire. वो चलेंगे लेकिन थकेंगे नहीं, वो दौड़ेंगे लेकिन कभी हिम्मत उनकी टूटेगी नहीं। ऐसे लोग जो परमेश्वर की ओर नजर गड़ाए हुए रखकर जीते हैं और ऐसे जीना जानते हैं, ये हैं वे लोग जिनका आत्मा अगर टूट भी जाए तो भी कहा ये वर्स, ओके 40 वर्स 31 इसाईस नबी का ग्रंथ अध्याय 40 वचन 41 क्या लिखा है, परंतु जब जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाब के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। उकाब के नाई, ओ दिस रिमाइंड्स मी ऑफ दिस बर्ड, उकाब के नाई, वो उकाब के नाई। आपको पता है ये जो पक्षी है उकाब, इसका जीवन की जर्नी कैसी होती है? किसी दिन मैंने बहुत पहले इस पर बोला था, उसमें मुझे याद है, ये जो पक्षी है ना उकाब, ईगल, इसके साथ ऐसा होता है, ये कुछ साल तो जीता है लेकिन जब इसकी उम्र बढ़ने लगती है, जब उसकी उम्र बढ़ने लगती है तो इसकी चोंच लंबी होते होते यूं झुक जाती है। जब उसकी चोंच जो है झुक जाती है तो ये अब शिकार करने में असमर्थ हो जाता है। जब तक इसकी चोंच तीखी होती है ये आराम से शिकार करके अपना पेट भर लेता है, लेकिन जब इसकी उम्र बढ़ती है तो इसकी चोंच झुक जाती है, नीचे को हो जाती है, इसके हाथ के जो पॉज होते हैं ना, इसके भी नाखून बड़े हो जाते हैं, ये अपने शिकार को हाथ से भी नहीं पकड़ पाता है। तब ये उकाब क्या करता है, एकांत में जाके बहुत समय तक वहां पे अकेले पड़ा रहता है। अलग अलग मौसम जब आते हैं, ये धीरे धीरे अपनी उस झुकी हुई चोंच से अपने शरीर का एक एक पत्ता, क्या कहेंगे उसे, फेदर, पंख को निकाल देता है और ये अपने चोंच को पत्थर से मारता है, चट्टान पे मार मार के तोड़ देता है। और
जब ये ऐसा करता है, ये अपने शरीर के सारे पंख उड़ा चुका होता है, इसकी चोंच इसने तोड़ ली होती है और तीखी कर ली होती है, तब इसके शरीर में नए पंख आते हैं। और तब जब ऐसा होता है, ये वो जो एनिमल स्टडी करते हैं वो लोग ऐसा कहते हैं कि दिस इज अ न्यू लाइफ ऑफ द ईगल, तब ये उकाब नई शक्ति के साथ में फिर से नए शरीर के साथ रहता, नई चोंच के साथ और नई पंजों के साथ में फिर से अपना जीवन चालू करता है। इसलिए लिखा है, जो यहोवा की बाट जोते हैं, टूट गए हो आप, आपकी हिम्मत टूट गई है। अगर मनुष्य होने के नाते, मनुष्य होने के नाते आपने जरूर एक न एक पॉइंट पे अपनी हिम्मत को टूटते हुए देखा होगा। But thus says the Lord, you are not mere men, so that you would die like a man. आप कोई मामूली मनुष्य नहीं कि आप मनुष्य की तरह मरो। आप कोई मामूली मनुष्य नहीं कि आपकी हिम्मत टूट जाए और आप सचमुच में टूट जाओ और आपकी जर्नी का ये द एंड हो जाए। परमेश्वर आपसे कहता है कि तुम मेरे बेटों से, मेरे बेटे से जुड़ जाओ, तुम में नई शक्ति आएगी। और जब ये होगा तो तुम जैसा ये उकाब है ना, जो यहोवा की बाट जब जोता था तो ये नया बल प्राप्त कर लिया, इस नया बल प्राप्त कर लिया। और लिखा है, ये उकाब के समान हो जाएंगे, वे दौड़ेंगे, अब ये दौड़ेंगे तो श्रमित नहीं होंगे। अब तक आपने अपने अपनी भलाई को अपने बल पे किया, इसलिए आपकी आत्मा टूट गई। लेकिन जब आप यीशु मसीह से जुड़ जाएंगे, रिमेंबर व्हेन यू आर वन विद द लॉर्ड, व्हेन यू आर वन विद द लॉर्ड, यू आर नो मोर यू। आप अब अपने आप में नहीं रहे, आप में अब यीशु आ गया। और तब जब आप जाएंगे तो आपकी हिम्मत को कोई तोड़ नहीं सकता। प्यारे भाइयों बहनों, ये वे लोग हैं, ये जब उड़ेंगे, ये लिखा है, ये दौड़ेंगे, ये श्रमित नहीं होंगे, ये चलेंगे लेकिन ये थकित ना होंगे। हालेलुया। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, देयर कम्स अ टाइम। पता है आपको, कई लोग हम देखते हैं ना दुनिया में, कई मनुष्य का जीवन की कहानी ऐसी होती है कि जब सुनते हैं तो दिल रो पड़ता है, बहुत दुख होता है ये सुनकर। मैंने, जब मैं कॉलेज में थी, मैंने एक बार न्यूज में एक ऐसे कॉलम में किसी की बायोग्राफी पढ़ी थी, रात एक बायोग्राफी नहीं थी, किसी लेखक ने एक औरत की कहानी लिखी थी। ये औरत की कहानी कुछ ऐसी थी, ये छोटी बच्ची थी, जब इसकी माँ, ये और इसके पिताजी इसके घर में रहा करते थे। जब ये छोटी थी, मात्र 2 या 3 साल की, इसकी माँ मर गई। वो इसलिए मर गई क्योंकि इनका पिता मारता था इनको, दारू पी पी के खूब अत्याचार करता था। कि जब ये मर गई इसकी माँ, ये बच्ची अपने बाप के साथ अकेले रहती थी। इसके पिता ने इसके साथ में खूब गंदा किया, इसके साथ, छोटी बच्ची थी तब से इसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। दारू पी के ये आदमी अपने घर में जब आता था, अपने दोस्त को लाता था, अपने दोस्त को भी इस बच्ची को एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफर करता था। ये औरत ने, ये बच्ची ने, ये औरत अपने बचपन की बात बता रही थी। जब उस रिपोर्टर को ये बताती है कि जब ये छोटी थी तब इसके साथ ऐसा वैसा, कुछ समझ में नहीं आता था क्या होता है अपने घर में, परिवार क्या होता है, प्यार क्या होता है, इसने कभी नहीं जाना। इसके साथ बस बुरा हुआ, बस बुरा हुआ। जब ये थोड़ी बड़ी हुई, 5-6 साल की, इसको स्कूल में पढ़ाने लिखने के लिए किसी ने नहीं भेजा। लोगों को लगता था कि बाप अपनी गरीब है बेचारा, बच्ची को बहुत अच्छे से खिलाने की कोशिश करता है, इसलिए अपने घर में रखता है, बाहर नहीं जाने देता। लेकिन इसका बाप बहुत विकेट था। ये अपने दोस्त के साथ में मिलकर इस बच्ची का शोषण करता था। जब ये 10 साल की हुई, जैसे तैसे घर को छोड़ के भाग गई। जब ये बाहर गई, ये ऐसे शहर में थी जिसका मैं इस वक्त नाम नहीं लूंगी, ऐसे शहर में थी, वहां पर जब ये बाहर गई तो इसको खाने के लिए, जब भूख, मतलब खाना नहीं मिला ना, तो ये सोचती थी अब मेरे को कौन खाने के लिए देगा। तो इसने सोचा कि कभी, देखो कई बार तो इसे कोई दे देता था, लेकिन एक बार ऐसा हुआ, 1 महीने के बीत जाने के बाद ये लोगों ने इस पर दया करना बंद कर दिया। इसको पेट भरने के लिए अभी इसको कुछ नहीं आता था, न इसको कोई काम आता था, न इसे कुछ और नहीं समझ में आता था। इसका मन इससे कहता था कि तू बस एक काम के लिए, एक ही काम तू कर सकती है, जो तेरे साथ तब हुआ था,
वही काम तू कर सकती है। द कॉन्शियस ऑफ दिस गर्ल, इस औरत की, इस लड़की की कॉन्शियस ने इसे कहा कि दिस इज द ओनली गुड थिंग यू कैन डू, अगर तेरे को पेट भरना है तो ये काम कर ले। इसको वो अड्डे वाली औरतें मिलती है और वहां जाके ये उनके साथ में रह लेती है और कम से कम उसे खाने को मिलता है। ये औरत अपनी अपनी बायोग्राफी में लिखती है कि मैंने ये इसको छोड़ के और कुछ नहीं देखा, मैंने अपने शरीर को जस्ट एज एन इंस्ट्रूमेंट देखा। जब इसके सिटी में एक बार कोई सभा हुई, किसी प्रार्थना वाले आदमी की चर्चा हुई, तो कैसे ना कैसे ये औरत उस जगह पे गई प्रार्थना करने। इसे नहीं पता था प्रार्थना क्या होती है, बट किसी ने कहा कि जाना यहाँ पे तुमको अच्छा लगेगा, तो कईयों के साथ ये भी गई। जब वहां पर पुलपिट से एक प्रचारक कहता है परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर तुमसे प्यार करता है, इस औरत के मन में सवाल आता है कि परमेश्वर अगर मुझसे प्यार करता है तो वो मेरे साथ, जब मैं बच्ची थी उसने मेरे साथ ऐसा क्यों होने दिया। Why Lord, where were you? पर प्रभु तू कहाँ था जब मैं छोटी बच्ची थी और मेरे साथ जब ऐसा होता था? तू कहाँ था जब मैं भूखी रहती थी, मेरे को कोई खाने को नहीं देता था, मेरे को गालियां बकते थे, मेरे को फिर बाद में मजबूरी में इस जगह पर जाना पड़ा, तू कहाँ था? प्यारे भाइयों बहनों, there are many people on this planet, इस प्लैनेट पे कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये अनुभव किया है, जिनकी आत्मा इतनी टूटी टूटी रहती है कि अब they cannot face even the real life। सचमुच में जो मनुष्य जीते हैं ना, उसको भी देखकर इनको अपने आप में घृणा होती है। लेकिन धन्यवाद हो उस परमेश्वर का जिसने अपने बेटे को इस धरती पे भेजा, जो कहता है तेरा जीवन कितना भी गंदा हो, I have come that you have new life, तुझे नई जिंदगी दूंगा मैं। अरे तेरे शरीर को कितना ही ने यूज करके फेंक दिया हो, आई एम द वन हु कैन गिव यू न्यू बॉडी, तुझे नया जीवन दूंगा मैं, नया शरीर दूंगा मैं। ओ दिस इज द लव ऑफ द फादर। शैतान ने सचमुच में परमेश्वर की प्रिय प्रिय प्रजा को खूब खूब मारना चाहा और अनेक अनेक योजना बनाई, बट द लव ऑफ गॉड वॉज रियली रियली ग्रेट। उसने उस योजना से भी बड़ी योजना बनाई जिसके अंदर वो ऐसा ऑफर देता है हमें कि मेरे पास आओ, नया जीवन ले लो, नया जीवन ले लो। पता है निकोदेमस नाम का एक आदमी यीशु के पास आता है, कहता है कि व्हाट शल आई डू टू बी सेव्ड, कहता है यीशु मसीह, अनलेस यू आर बॉर्न ऑफ द स्पिरिट, जब तक कि मनुष्य आत्मा से ना जन्मे। यीशु मसीह एक ऐसी शख्सियत है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो यीशु मसीह को नहीं जानते, आज जो आप मुझको सुन रहे हैं ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह एक ऐसा शख्स है जो जीवन देता है, जो जीवन देता है, उसके अंदर से जीवन निकलता है। वो जीवन बोरो करके नहीं आया आप और हमारी तरह, हमको और आपको तो जीवन मिला था, हम इस धरती पे मां के गर्भ से आए, हमें एक जीवन का टुकड़ा मिला था, लेकिन यीशु मसीह इज अ सोर्स ऑफ लाइफ। यीशु ने बोला कि जिस तरह पिता में जीवन है उसी तरह पुत्र में भी जीवन है, जैसे पिता ऑथर है जीवन का वैसे मैं भी जीवन का ऑथर हूं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तुम मुझ में बने रहो और मुझको तुम में बने रहने दो, लेट माय वर्ड्स रिमेन इन यू एंड यू रिमेन इन मी, और तब देखना कि तू जो जंगली दाखलता है, तू जिसको शैतान ने और इस संसार ने खूब सताया रुलाया, तू जब मुझ में एक हो जाएगी तब देखना तू कितना फल उत्पन्न करेगी, और तेरे फल को देख के उस पिता की महिमा होगी। हालेलुया। तुम्हारे फल को देखकर, तुम जब फल उत्पन्न करोगे तो तुम्हारे फल के द्वारा पिता की महिमा होगी। प्यारे भाइयों बहनों, ये सच है दैट एवरी सन हु इज रियली अ सन रिसीव्स द चेस्टाइजमेंट। सचमुच में अगर बाप का असली में बेटा है तो बाप उस बेटे को करेक्ट करता है। यदि बच्चा, वो बेटा उसके करेक्शन को एक्सेप्ट कर ले, ये ना भूलते हुए कि मेरा बाप तो मुझको प्यार करता है, तो ये बच्चा परमेश्वर की शक्ल में बढ़ेगा। लेकिन अगर ये बच्चा जो परमेश्वर की ताड़ना को ऐसे देखता है कि ये तो मेरा दुश्मन है, ऐसा बच्चा
ऐसा बच्चा उस परमेश्वर का बेटा होने लायक नहीं। आप पढ़िए, आपको पता है एक एक जगह पे लिखा हुआ है, अ पर्सन हु इज रियली अ सन, द पर्सन हु इज रियली अ सन, ये पॉलुस ने किसी जगह लिखा है, मैंने लिखा है ये कहीं पे, हु रिसीव्स अ चेस्टाइजमेंट, अ पर्सन हु इज रियली अ सन। देखो, जो सचमुच में बेटा होता है उसे चेस्टाइजमेंट मिलेगा। यीशु ने तो इस यूहन के सुसमाचार अध्याय 15:1 में जब अपने आप को एक दाखलता बताते, वो कहता है कि मेरा पिता इज अ हस्बैंड मैन, वो एक दाखबारी का रखवाला है, और वो करता क्या है, ही प्रूंस एवरी ब्रांच दैट डस नॉट बेयर फ्रूट। मतलब ये जो गार्डनर है, प्रूंस मतलब समझते हो, छांटता है। छांटने का मतलब आपके उस दाखलता में, देखो दाख की एक आदत होती है कि खूब ज़्यादा बढ़ती है, विशेष रूप से जब गर्मी का समय होता है, जो स्प्रिंग का टाइम होता है, जब धूप अच्छी निकलती है, तो धूप के सामने ये जो दाख होती है ये खूब फैलती है, एक बाउंड्री से दूसरे घर की बाउंड्री में घुस जाएगी, और अगर इस पे ध्यान नहीं दिया तो ये सड़क पे भी चली जाती है, ये रोड पे भी उगती जाती है। लेकिन जितना ज़्यादा ये पत्ते होते हैं इसके अंदर, उतना कम इसमें फल होता है। तो इसीलिए जब एक दाख को प्रून करते हैं तब जाके उसमें फल आता है। तो यीशु कहता है कि मैं एक सच्ची दाखलता हूँ, मेरा पिता बागबान है, वो काटता है उसको जो पत्ते यूजलेस है। और देखो क्या लिखा है, तुम दुख को ताड़ना समझकर सहलो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। अरे यदि आप पुत्र हैं तो इस बात का केवल एक ही साइन है, यदि आप पुत्र हैं सच में, देन यू विल रिसीव चेस्टाइजमेंट फ्रॉम द फादर, तुमको ताड़ना मिलेगी। लेकिन इस ताड़ना को आप कैसे ग्रहण करते हो, इस ताड़ना को ग्रहण करते समय अपने पिता के फादरहुड को मत भूलो। कई लोग ताड़ना सहन करते हैं और सहन करते करते अपने अंतकरण में अपने को कहते रहते हैं कि हाँ ये तो परमेश्वर है, ये तो ऐसा नहीं करेंगे तो ये गुस्सा हो जाएगा। उसकी पहचान को धुंधला कर देते हैं। ताड़ना तो सहन कर लेते हो चुपचाप, लेकिन अपनी ही डॉक्ट्राइन बनाते रहते हो मन ही मन में, अपनी ही मनगढ़ंत आइडेंटिटी परमेश्वर की बनाते रहते हो मन मन में। लेकिन यदि आप सचमुच में एक अच्छे पुत्र हो तो आप ताड़ना सहन करोगे और साथ ही साथ भूलोगे नहीं कि हु इज माई फादर, माई फादर इज द वन, मेरा पिता वो है जो मुझे तब से देखता है, वो मुझे तब से जानता है जब मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं जाना। अरे ये पिता मेरा वो वाला पिता है जो मुझे तब देखता था अपने अकेले कमरे में, जब मैं रोता था तब मेरा कोई मुझ मेरे दुख को देखने के लिए नहीं आया। ये पिता वो है जो मेरे आंसू को उसने अपने हथेली में उस बॉटल में कलेक्ट करके रखा, उसने मेरे दुख के दिन को देखा है, उसने मेरा अकेले में उठाया हुआ संघर्ष देखा है। जब आप पिता की इस आइडेंटिटी को नहीं भूलोगे और उसकी ताड़ना को स्वीकार करोगे, ये जानकर कि इसके ताड़ना के पीछे बस एक ही मकसद है कि तुम में फल आए, यीशु मसीह का फल तुम में अच्छे से आए, और तुम वो भले काम करो जिसको देखकर इस संसार में उस पिता की महिमा होगी। देन यू विल सी व्हाट हैपेंस, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। पता है ऐसा एक बेटा सचमुच में पिता के हृदय को खुश करता है। ये वो सेवक है जिसके लिए यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मेरी सेवा करोगे तो पिता तुम्हें महिमान्वित करेगा, पिता तुमको महिमान्वित करेगा। प्लीज 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 डू नॉट गिव अप। आपकी आत्मा टूटी हुई हो सकती है। पता है मनुष्य किससे टूटता है सबसे पहले? देयर आर थ्री वेज थ्रू विच द स्पिरिट ऑफ मैन इज वुंडेड। नंबर वन द फ्लैश। गलाती का पत्र अध्याय 5:17 निकालिए, देखिए कहाँ क्या लिखा है। गलाती 5:17 में क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। वेट, शरीर आत्मा के विरोध में एंड आत्मा शरीर के विरोध में। इंग्लिश में क्या लिखा है, द फ्लैश लस्टेथ अगेन द स्पिरिट। द स्पिरिट, इस फ्लैश को, स्पिरिट का दुश्मन, ये एक दूसरे के दुश्मन है।
अरे आपका खुद का फ्लैश आपके स्पिरिट को ब्रेक करता है, तोड़ता है, घायल करता है। द फ्लैश लस्टेड अगेंस्ट स्पिरिट, शरीर आत्मा का विरोध में, शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करते हैं और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना कर पाओ, कि तुम जो करना चाहते हो वो ना कर पाओ, इससे पहले लिखा है द फ्लैश लस्टेड अगेंस्ट द स्पिरिट, हु वांट्स द स्पिरिट ऑफ अ मैन। सबसे पहले इजीली जो एक मनुष्य की स्पिरिट को तोड़ सकता है वो है उसका खुद का फ्लैश, योर ओल्ड नेचर। योर ओल्ड नेचर विल हर्ट यू। इसीलिए परमेश्वर जब आपको अपने पुत्र में ग्राफ्ट करता है वो आपके इस फ्लैश को छांटता है। इसी को कहा जाता है मेरा पिता हर वो डाली जो फल नहीं लाती उसे छांटता है। रिसीव द चेस्टाइजमेंट ऑफ द फादर सो दैट यू बिकम अ रियल सन। परमेश्वर की इस ताड़ना को स्वीकारो जो वो इसलिए देता है कि आपका फ्लैश आपके स्पिरिट पे अधिकार ना जता सके। प्यारे भाइयों बहनों, यदि आप परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह से जुड़े रहेंगे तो जैसा कि आज आपने शुरुआत में एक गाना सुना, यादें जब सताए यीशु को याद करना, ख्वाहिशें जब रुलाए यीशु को याद करना। यीशु को याद करने का क्या मतलब है? रिमेंबर, रिमेंबर हाउ जीसस लिव्ड दिस लाइफ। यीशु को याद करना कैसे यीशु अपना क्रूस ले जाता था। उसका मन था परमेश्वर से, उसने कहा कि पिता अगर संभव है तो ये प्याला मुझसे ले ले, संभव है तो ये प्याला मुझसे ले ले। एक ऐसा पॉइंट आया यीशु मसीह को नहीं सहा जा रहा था, उसे ये दुख बहुत भारी लग रहा था। क्रूस का दुख नहीं, ये दर्द नहीं, ये दुख कि मुझे इन मनुष्य का पाप अपने ऊपर लेने के कारण मुझे पिता से अलग होना पड़ेगा। दिस सेपरेशन वॉज वन और इट वॉज अ थिंग दैट पेन्ड हिम। इसलिए उसने कहा कि पिता सम हो सके तो ये प्याला मुझसे ले ले। लेकिन पिता ने इसकी इस प्रार्थना का कोई जवाब नहीं दिया। यीशु मसीह चुपचाप, जस्ट लाइक अ शीप गोज टू द शेयरर्स, जैसे भेड़ अपने ऊन कतरने वाले के आगे चुप रहती है, यीशु चुपचाप अपना क्रूस लेकर चलता गया, चलता गया। गिरा, कई बार गिरा। उसके शरीर की हालत ऐसी थी कि यदि कोई मामूली इंसान होता उसके बदले में तो वो क्रूस भी नहीं उठा सकता, लेकिन वो चलता गया, वो चलता गया। इसीलिए गाने वाला कहता है ख्वाहिशें, तेरी ख्वाहिशें जब तुझे रुलाए तो यीशु को याद करना, यीशु को याद करना। आपकी ख्वाहिशें आपको रुलाती है कि शादी नहीं होती, बच्चे नहीं हो रहे, नौकरी नहीं मिल रही, घर नहीं है, बाहर विदेश जाने का सपना है, सपना पूरा नहीं हो रहा, पैसे चाहिए, आपको कार चाहिए, आपको क्या चाहिए? ये आपकी ख्वाहिशें हैं। क्या ख्वाहिशें आपको डोमिनेट कर रही है? प्लीज माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन खतरे से भी बढ़कर एक चीज है जो आपको अंधा बना रही है। यीशु मसीह को देखिए, यीशु मसीह को आगे रखिए और उसको देखकर सीखिए। क्रूसीफाई योर फ्लैश, तेरी ख्वाहिश है जब तुझे रुलाए यीशु को याद कर, यीशु को याद कर। देयर इज ओनली वन वे टू हेवन, देयर इज ओनली वन वे। किस इंसान की आत्मा नहीं टूटती? वो इंसान देखो कौन है जब उससे कुछ ले लिया जाए तो उसे दुख नहीं होता? ये केवल एक वो व्यक्ति है जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं। किसको आप लूट नहीं सकते? जिसके पास लुटाने के लिए कुछ नहीं। किसकी आप इज्जत खराब कर सकते हो या उसको ब्लैकन कर सकते हो? जो अपनी प्रशंसा से भी कोई क्रेडिट नहीं लेता, वो व्यक्ति जो अपने आप में मर चुका है, वो व्यक्ति को शैतान अब तोड़ नहीं सकता। इसीलिए ख्वाहिशें जब रुलाए यीशु को याद कर। और पौलुस लिखता है जब कोई लड़ाई में जाए, देखो एक वचन है सेकंड तिमोथी 2:4, बहुत ही अच्छा वचन है।
एक मसीही होने के नाते आप और हम जो एक सैनिक है आपसे और हमसे क्या उम्मीद है? नो मैन दैट वारथ एंटैंगल्स हिमसेल्फ द अफेयर्स ऑफ दिस लाइफ। जब कोई युद्ध जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसीलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। कई बार मेरे मन में भी आता है, क्या यार मैंने ये वाली लाइन चूज की होती तो आप में वैसी होती। और एक दो घंटे बीत जाने के बाद में जब निराशा अंदर आ जाती है तो अंदर से एक आवाज आती है, तो क्या प्रचार करती है? ये संसार एक जर्नी है। लुक एट यू, व्हाट आर यू थिंकिंग? आई आस्क माई लॉर्ड, आई एम रियली सॉरी, परमेश्वर मुझे माफ करना। हम जिसको तूने चुना है, आप जिसको प्रभु ने चुना है, प्यारे भाइयों बहनों, आप एक अच्छे योद्धा बने, इसके लिए जरूरी है कि आप इस संसार के कामों में अपने आप को ना फंसाएं। प्लीज पुट दैट वर्स अगेन, 2:4, जो अपने आप को, इसलिए एक ऐसा बन, देखो जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तब इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे। आप अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न कर पाए इस बात की ओर ध्यान लगाएं, तो क्या करना है आपको? अपने आप को संसार के कामों में मत फंसाओ। एक योद्धा लड़ाई नहीं कर सकता यदि उसका पूरा ध्यान अपने जो पीछे छोड़ दिया उस परिवार पर है। यीशु ने एक इंसान को बुलाया कि आ जा मेरे पीछे हो ले, तो वो कहता है कि मैं पहले अपने माँ बाप को गाड़ के आ जाता हूँ, लेट मी बरी माई फादर। यीशु ने कहा यदि कोई हल्के पर हाथ रख के पीछे मुड़े तो मेरे लायक नहीं। पता है जब एक किसान अपने हल के ऊपर हाथ रखता है और पीछे मुड़ता है तो क्या दुर्घटना होती है? जो लाइन उसको सीधी बनानी थी वो लाइन सीधी नहीं जाती, वो टेढ़ी हो जाती है। खेत में कोई स्केल लेके थोड़ी लाइन बनाता है किसान, वो एक दूर खड़े हुए एक पेड़ को देखेगा या दूर खड़े हुए एक ऐसे चिन्ह को देखेगा और उसकी ओर अपने हल को ले चलता है, और जब उस लक्ष्य से अपनी नजर इधर उधर नहीं करता तब जाके उसकी लाइन स्ट्रेट होती है। लेकिन अगर वो पीछे देखने लग जाए तो उसकी जो लाइन है वो स्ट्रेट नहीं रह के इधर उधर जाती है। इसीलिए कहा यीशु ने यदि कोई अपने माँ बाप भाई बहन इन सब से बढ़कर मुझको प्यार नहीं करता वो मेरे लायक नहीं। प्यारे भाइयों बहनों, लेट मी टेक यू बैक टू दिस वर्ड्स। प्रवक्ता सूक्ति ग्रंथ अध्याय 18:14, मनुष्य का आत्मा बल उसे रोग में संभाल लेता है, लेकिन मनुष्य का आत्मा टूट जाए तो उसे कौन संभाल सकता है? उसे कोई नहीं संभाल सकता। दैट इज वाई द लॉर्ड हैज कम, इसीलिए हमारे यीशु मसीह धरती पे आए, जिससे कि तुम्हारी आत्मा के भरोसे अपनी बाकी की जर्नी कंप्लीट मत करो, मुझ में बन जाओ, मेरे साथ एक हो जाओ। तुम जब मुझ में होगे और मेरे वचन तुम में बने रहेंगे तो तुम जो मुझ में हो, मेरे अंदर होने की वजह से जो फल मुझ में थे वो फल तुम में भी बने, तुम में भी आएंगे। प्यारे भाइयों बहनों, दिस इज आ कॉल, यही हमारी बुलाहट है। हमारी बुलाहट इस धरती में बड़ा आदमी बनने के लिए नहीं है, हमारी बुलाहट इस धरती पे ये है कि हम इस धरती में परमेश्वर के संतान बने। बिकॉज द नेचर, द होल नेचर इज अवेटिंग द रेवलेशन ऑफ द सन्स ऑफ मैन। ये पूरा क्रिएशन इंतजार कर रही है कि कौन है मनुष्य के वो पुत्र और पुत्री, सॉरी परमेश्वर के वो पुत्र और पुत्री, उन्हें हम देखें। द होल क्रिएशन इज वेटिंग टू सी द सन्स ऑफ गॉड, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोती है। परमेश्वर के पुत्र प्रकट नहीं हो रहे क्योंकि परमेश्वर के पुत्र अब भी मनुष्य बने हुए हैं, वे अपनी ही आत्मा के सहारे जीते जा रहे हैं। उनकी आत्मा टूटती है और वह खुद टूट के बिखर के पड़े रहते हैं। ए मनुष्य के पुत्रों, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के साथ एक हो जाओ, उसके अंदर ग्राफ्ट हो जाओ, जिससे कि तुम भी परमेश्वर के पुत्र बन सको। और तब तुम जब ऐसा करोगे तो परमेश्वर की महिमा होगी। प्यारे भाइयों बहनों, द सेवियर इज ग्लोरिफाइड व्हेन यू
टेक द हेल्प ऑफ द सेल्वेशन ही ऑफर्स। यीशु मसीह की महिमा इसी बात में है कि तुम उसके सहारे जियो, तुम उसके सहारे जियो। एक आदमी जो कहता है कि मेरा एक दोस्त है, एक लकवे से ग्रस्त आदमी, जब वो बोलता है कि मेरा एक ऐसा दोस्त है जो मुझे बहुत बहुत मदद करता है, उसके सहारे जब मैं जीता हूं तो मुझे लगता नहीं कि मैं अपाहिज हूं, ऐसा दोस्त कौन होगा? ऐसा दोस्त वो दोस्त होगा जिस दोस्त को ये लकवे से ग्रसित आदमी हर बार अपनी अपनी छोटे से छोटे काम के लिए उससे कहे, अपनी छोटी से छोटी बात के लिए उस पर निर्भर रहे। तब जाके ये साबित होता है कि वो सचमुच में एक ऐसा दोस्त है जो इसकी हमेशा सहायता करता है। ठीक उसी तरह यीशु मसीह जो कहता है कि मैं सच्ची दाखलता हूं, इस सच्ची दाखलता की महिमा इसमें है कि आप और हम इसमें एक हो जाएं और वो फल उत्पन्न करे जिस फल से परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। प्यारे भाइयों बहनों, दिस इज अ ग्लोरियस लाइफ, यू विल लूज नथिंग। यदि आप यीशु मसीह के अंदर हो जाएंगे तो आप कुछ गवाएंगे नहीं, लेकिन यीशु से अलग होकर जिएंगे तो आप सब कुछ गवा दोगे। प्यारे भाइयों बहनों, लेट अस नॉट बी अमंग दोज, हम वो डालियां ना बने जो सूख गई, जो सच्ची दाखलता से अलग रह गई, जो केवल आग में झोंक देने के लिए बस इसी काम के लायक रह जाती है। बिकम वन विद द लॉर्ड, और हर वो दुख जो आम इंसान को गिरा देता है वो दुख के शिकार आप ना बने, क्योंकि लिखा है धर्मी 7 बार गिरता वो फिर उठकर चलता है। ये धर्मी को कौन सी ताकत मिलती है कि बार बार उठकर चलता है? ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर के अंदर बने रहने की ताकत है। प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम इस वक्त प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपको वो शक्ति दे कि आप उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ एक हो सकें। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, विश्वास करें कि वो महान परमेश्वर इस समय हमारे बीच में है। उन्होंने कहा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर होते हैं मैं वहां उनके बीच में हाजिर रहता हूं। शायद रहूंगा, हाजिर हो सकता है, ऐसा नहीं है, वो हाजिर रहते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप अपने प्रार्थना निवेदनों को मुझे भेजते हैं कि मैं प्रार्थना करूं, लेकिन आप मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए उस समय होते नहीं हो, तो ये ऐसा है कि जैसे मैं गंभीर हूं, मैं सीरियसली गंभीरता पूर्वक आपके प्रार्थना निवेदनों को परमेश्वर के सामने रखता हूं, लेकिन आप नहीं होते हो। फोन से एक बार बता दिया, बस हो गया और हमारे लिए प्रार्थना हो जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसा सोच के आप मत बैठो। यदि आप अपने प्रार्थना निवेदनों को मुझ तक भेजते हो तो थोड़ा सा समय ले लो, आंखें खोल लो थोड़ी सी,
आपकी प्रार्थना, आपके प्रार्थना निवेदन कितने गंभीर गंभीर होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, कम से कम आप सोचें। आप जब अपना प्रार्थना निवेदन भेजते हैं तो प्रार्थना करने के लिए यहाँ मेरे साथ एक मन, यीशु ने कहा जहाँ दो व्यक्ति एक मन और एक हृदय होंगे वहाँ जो मांगा जाएगा सुना जाएगा। होता क्या है कि मैं यहाँ से कह रहा हूँ प्रभु दया कर, इन पे दया कर, इन पे दया कर, लेकिन वो बंदा, वो बंदी, वो भाई, वो बहन है ही नहीं वहाँ। वो खा पी के आराम से जो है लेटा हुआ है, ठीक है, ओके। दोबारा जब आप फोन करेंगे तब शायद बहुत देर हो चुकी होगी, इसलिए इस समय जब मैं प्रार्थना करूं आपके लिए, परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित कीजिएगा। प्रभु आपको इस समय स्पर्श करें। पता है आपको, परमेश्वर हमसे प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। और वो आपको चाहता नहीं कि आप जो है खुद से संघर्ष करते रहो और खुद के संघर्ष करके चीज पाओ और फिर गर्व करो, ना ना तो शक्ति से, बाइबल में लिखा है, ना तो बल से, वरन मेरे आत्मा के द्वारा हो जाएगा। ना तो शक्ति से, ना तो बल से, वरन मेरे आत्मा के द्वारा होगा। आपको मालूम है बाइबल में लिखा हुआ है रोमी अध्याय 8:26 में, रोमन्स चैप्टर 8:26 में लिखा हुआ है कि हम नहीं जानते कि किस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन पवित्र आत्मा स्वयं हमारी दुर्बलता में शामिल हो जाता है और हमारी आहों को अस्पष्ट, हमारे जो यहाँ वचन लिखा है ये देखो, इसी रीति आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि किस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भरकर जो बयान से बाहर हैं हमारे लिए विनती करता है। आमीन। प्रार्थना करें, प्रभु का आत्मा इस समय आपके अंदर समाए और आप उस आत्मा से भर करके विनती करें, प्रभु आपको इस समय छुएं, स्पर्श करें। थैंक यू जीसस। एक और बात मैं बता दूं आपको, हम बिना परमेश्वर की उपस्थिति के अनुभव किए प्रार्थना नहीं कर सकते। उनकी उपस्थिति हमारे बीच में आने के लिए हमें माहौल बनाना पड़ता है, चाहे आप ऑनलाइन देखो या ऑफलाइन देखो। बिना इसके ना चंगाई होती है ना छुटकारा होता है। वो है जो ये सब करता है, म्यूजिक नहीं करता है, गाना भी नहीं करता है, वो जब वो करता है तो वो किसी को क्रेडिट नहीं देता, किसी को नहीं, ना गाने को ना म्यूजिक को, कुछ नहीं। ये सब सहायता है, लेकिन सचमुच में हम उसके लिए जब करते हैं तो वो उपस्थित होता है, जिससे कि यदि कोई गर्व करना चाहे तो वो परमेश्वर पर ही गर्व करे। तो आज आपको छुएं और स्पर्श करें, आपके दुखों से, आपकी प्रॉब्लम से, आपकी समस्याओं से, आपकी चिंताओं से, आपके दर्द से, आपकी तकलीफ से, आपके बंधनों से, आपके आंसुओं की स्थितियों से वो आपको बाहर निकाले, आपकी निराशाओं से वो आपको बाहर निकाले, आपके संघर्ष वाली दशा में से वो आपको बाहर निकाले, आपके पति पत्नी के बीच में जो दूरियां हैं उसमें से प्रभु आपकी मदद करे, बाहर निकाले। आप जो निसंतान हैं, संतानहीनता की स्थिति में दुखी हैं, परमेश्वर आपके दुखों में आपको दिलासा दे और आपके साथ चमत्कार करें। आप जो
विश्वास करते हैं, प्रभु आपको इस समय छुएं और स्पर्श करें, आपके ऊपर उसकी महिमा का बादल इस समय छाए, आपके ऊपर उसकी सामर्थ्य इस समय आए, आपके ऊपर उसका स्पर्श आप अनुभव करो, प्रभु आपको छुएं और स्पर्श करें। धन्यवाद। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आ कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, दुआ दे अपनी हुजूरी, दे अपना मसा, दुआ रुआ दे अपनी हुजूरी, दे अपना मसा, दुआ रुआ दे अपनी हुजूरी, दे अपना यीशु की वफा से, तोड़ सारे बंधन ए मेरे खुदा, आप में से कोई ऐसा है जो जिसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। आप सुनते हो, आपकी मम्मी कहती है, आपका पापा कहता है, इसलिए आप बैठ जाते हो, लेकिन आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है।
ऐसा लगता है सब बेकार बेकार सा, बेकार बेकार सा, एक ऐसी फीलिंग, एक ऐसा ऐसी स्थिति, बेकार है ये सब, बेकार है ये सब, बेकार है ये सब, बेकार है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये जो जीवन है आपका इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई रुचि नहीं है, ऐसा ऐसे आप जी रहे हो। और आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। परमेश्वर का आत्मा आपको इस समय स्पर्श कर रहा है, वो आपको इस समय हरा भरा कर रहा है, वो इस समय आपको छू रहा है, वो इस समय ये फीलिंग जो उनकी ओर से नहीं है, ये जो अनुभव है आपको होता है ये उनकी तरफ से नहीं है बल्कि शैतान की तरफ से है, जिससे कि आप एक दिन इस जीवन में निराश होकर के, थक करके, बैठ करके सारा दोष परमेश्वर के ऊपर डाल करके खत्म हो जाओ। वो आपके जीवन को चुराता है। यीशु ने कहा, चोर केवल चुराने और मारने और नष्ट करने आता है, मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें जीवन मिले बल्कि बहुतायत का जीवन मिले। मेरे भाई मेरी बहन, वो इसलिए आए हैं कि बहुतायत का जीवन मिले आपको, बहुतायत का। परमेश्वर आपको इस समय छू रहा है, इस समय छू रहा है, परमेश्वर आपको इस समय छू रहा है। आप अपने आप को उसके हाथों में समर्पित करें, चाहे कितनी भी बुरी जिंदगी आपकी क्यों ना रही हो, मैं सबों से कहता हूं, चाहे कितने ही दुख से भरी हुई जिंदगी आपकी क्यों ना रही हो, आप नहीं जानते वो परमेश्वर एक ऐसा एक गडरिया है, वो ऐसा एक कुम्हार है, जब वो आपको अपने हाथों में लेगा तो आपका आकार बदल करके रख देगा। आप उसके हाथों में अपने आप को समर्पित करो, आप उस महाप्रतापी परमेश्वर के हाथों में जिसने आपको पुत्र और अपने आप को आपका पिता कहा है, उसके हाथ में अपने जीवन को आप समर्पित कर दें। अपने आप को, आप क्या करोगे, कैसे होगा, कल कैसे होगा, घर कैसे चलेगा, नौकरी मिलेगी नहीं तो क्या होगा, पढ़ाई कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, कोई अचीवमेंट मिलेगी जीव लाइफ में कि नहीं मिलेगी, इस तरह की सोच जो आपको है, और भविष्य की चिंता, वर्तमान की चिंता, बच्चों की चिंता, पति की चिंता, घर की चिंता, और क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, क्या बनाएंगे, कुछ है नहीं, इकट्ठा किया नहीं, कुछ है नहीं, कहाँ से होगा, कैसे होगा, दिन रात यही सोच आपको सोने नहीं देती और दिन रात यही सोच आपको भगाती रहती है, दिन रात यही सोच आपको ऐसी स्थिति में पहुंचाती है कि खतरा भी मोल लेना पड़े तो आप लेते हो, और कहीं ना कहीं आप जो है अपने आप को झुकाए हुए हो, सिवाय एक जगह, परमेश्वर के आगे झुकने से, झुकाने की जगह आप हर जगह झुके हुए हो। मेरे भाई मेरी बहन, वो चिंताएं, वो निराशाएं जो आपको सता रही हैं, वो जो बातें आपको निराश कर रही हैं, घर की बात, बच्चे की बात, पति की बात, नौकरी की बात, वर्तमान स्थिति, पैसे की कमी, आपको जो सता रही है, आपको जो तोड़ रही है, मेरे भाई मेरी बहन, ये इस जीवन को तुम इस समय प्रभु यीशु के हाथों में समर्पित करो और उस प्रभु यीशु मसीह पर अपना सारा ध्यान केंद्रित करो। मैं जानता हूँ कि आपकी परिस्थितियाँ बहुत ही खराब होंगी, किसी ने तो जादू टोना करा दिया होगा आपके ऊपर, तो किसी ने आपको जो है मारने की धमकी दी होगी, या आप अपनी ही जिंदगी से, अपने ही परिवार के लोगों के साथ में रह कर तंग आकर के कहीं चले जाने के मन से भरे हुए बैठे हुए होंगे। आपके घर में हो सकता है शांति होगी, आपके बच्चे सुनते नहीं होंगे, आपका पति सुनता नहीं होगा, आपकी पत्नी सुनती नहीं होगी, आपके घर में निराशा है, प्रार्थना करने को बोलते होंगे तो जाते कहीं और होंगे, वचन पढ़ने को बोलते होंगे तो जाते कहीं और होंगे, छोटी सी बात पे बहुत बड़ा झगड़ा करते होंगे, छोटी सी बात पे आपको बहुत बड़ा दोष दिया जाता होगा, आप अपने आप को सोचते होंगे कहां मैं गलत हूं, क्या करूं, मैंने कौन सी ऐसी गलती कर दी, हे परमेश्वर तू मेरी कब सुनेगा, हे परमेश्वर तू मेरी कब सुनेगा, इस तरह से आप जो है रोते रहते हो, इस तरह से आप पीड़ित रहते हो, इस तरह से आप चिंतित रहते हो, जिन लोगों के लिए आपने बहुत कुछ किया, जिन लोगों के लिए आपने दिन रात एक किया, वो आपका बच्चा था, वो आपका बेटा था, वो आपकी बेटी थी, लेकिन बड़े होने पर उन्होंने आपको कुछ नहीं दिया, वो भटक गए हैं रास्ते से, वो चले गए आपको छोड़ करके, आप अकेले रह गए हो, आज फोन करते हो तो उठाते नहीं है, आज पड़े रहते हो तो देखने आते नहीं है,
आज जो है अकेले हो और इस अकेलेपन में अब तुम्हारा सहारा कोई रहा नहीं है। अरे तो क्या हो गया मेरे भाई मेरी बहन, इस बात से निराश मत हो कि तू अकेला हुआ, इस बात से दुखी मत हो कि मैंने जो किया और उसका बदला मुझे मिला नहीं है। एक है जो तेरे शारीरिक परिश्रम को जानता है, एक है जो तेरे दिन रात के भोगे हुए दुखों को समझता है, एक है जो तेरे आंसुओं को अपनी हथेली पर रोक लेता है, एक है जिसने कहा है कि अंधेरी घाटी से होकर के भी जाना पड़ेगा तो तू उनके साथ है। वो है मेरे भाई मेरी बहन, उसने कहा है मैं तेरे साथ होऊंगा, तू जहां कहीं जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा। उसने कहा जब तू जलधारा में से होकर चलेगा तो मैं तेरे संग रहूंगा, जब तू आग में से होकर गुजरेगा तो भी मैं संग रहूंगा। हो सकता है डुबाने वाली दशाओं में से आप गुजर रहे होंगे, हो सकता है जलाने वाली दशाओं में से स्थितियों में से आप गुजर रहे होंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, हो सकता है टूट गए हो आप, हो सकता है निराश हो गए हो अपनी उसी बीमारी को झेलते झेलते, उसी तकलीफ को झेलते झेलते, आपसे रहा नहीं जा रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब कोई सहारा नहीं है। मेरे भाई मेरी बहन, ये है तेरा सहारा। ओ यीशु मसीह ने मत्ती 11:28 में कहा, हे थके मांदे और बोझ से दबे हुए सब लोगों, तुम सब मेरे पास, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। I will give you rest, rest of your soul, rest of your mind, rest of your physical body. I will give you rest, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मन का आराम, तेरे शरीर का आराम, तेरी आत्मा का आराम, जिसकी वजह से तू भागा भागा घूम रहा है, जिसकी वजह से तू, जिसके बिना तू हांफ रहा है। मेरे भाई उसके हाथों में अपने आप को समर्पित कर, डर मत, निराश मत हो, वो तेरे टूटेपन को जोड़ सकता है, वो तेरी गिरी हुई अवस्था से तुझे उठा सकते हैं। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। हाँ ये सच है कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते तो क्या हो गया, बर्दाश्त नहीं कर सकते तो क्या हो गया, टूट जाता हूं तो क्या हो गया, गिर जाता हूं तो क्या हो गया। मैंने सुना है वचन में लिखा हुआ है कि जो मुझ में है वो उससे महान है जो संसार में है, जो मुझ में है वो उससे महान है जो संसार में है। यदि जो मुझ में है वो उससे महान है जो संसार में है, तो अगर मैं गिर भी गया तो उठ के चलूंगा, अगर टूट भी गया तो मुझे वो छोड़ देंगे, अगर मैं पीछे रह गया हूं तो भी वो मुझे आगे ले आएंगे। जो मुझ में है वो उससे महान है जो संसार में है। ओ प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं है, वो मुझे संभालने में समर्थ है, वो मुझे चलाने में समर्थ है, उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है, उसका सामर्थ्य मेरी कमजोरी में और भी अधिक रीति से प्रकट होता है। ओ जिससे कि मैं ये ना सोचूं कि मैंने कुछ किया है, बल्कि उनकी ओर से हो। मासो प्राली प्राखांता ब्रोलोशा खांते प्राग्रांदा मानसा द्रोलोशां त्रेबे प्रभु से। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू दे अपनी हुजूरी, दे अपना मसा, मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा।
दे अपनी हुजूरी दे अपना मसीह, दे अपनी हुजूरी दे अपना मसीह। मुझे अपनी राहों में चलना सिखा, मसीहा के मानिंद तू मुझको बना, मसीहा के मानिंद तू मुझको बना, मेरे इन लबों पे यही है दुआ दुआ। बहन, इस समय आप में से कई लोगों को इस समय पवित्र आत्मा मजबूत कर रहा है। आप में से कई लोग इस समय दुखी और पीड़ित होकर प्रार्थना कर रहे हो। आप में से कई लोग अपने बेटे के लिए प्रार्थना कर रहे हो, कोई अपनी बेटी के लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई अपनी जॉब के लिए प्रार्थना कर रहा है। आप में से कई लोग इस समय प्रभु के साथ में एक मन एक हृदय होकर प्रार्थना कर रहे हैं, ये माहौल ना टूटे। मेरे भाई मेरी बहन, इसी अवस्था में बना रहे और प्रार्थना करते जा। प्रभु आप में से कई लोगों की प्रार्थनाओं को सुन रहा है, वो महाप्रतापी परमेश्वर जो सबों की सुनते हैं, यीशु मसीह के नाम में वो आपकी सुन रहा है, आपकी सुन रहा है। वो आपके बीमार, आप में से कई लोगों के बीमार शरीरों को वो इस समय छू करके चंगा कर रहे हैं। आप में से कई लोगों की बीमारियां इसी समय उसकी उपस्थिति के तेज से, उसके तेजोमय उपस्थिति की वजह से आपके शरीरों में से जा रही हैं। वो बीमारियां, उनकी उपस्थिति जो आपके हृदय में आई है इस समय, उसकी वजह से वो बीमारियां आपके शरीरों में ठहर नहीं सकती हैं। ना केवल बीमारियां ठहर नहीं सकती, बल्कि वो दुख जो आपके मन के अंदर भरा हुआ है वो भी ठहर नहीं सकता, वो दुख भी आपके अंदर से निकल करके जा रहा है। आपके अंदर जो निराशा भरी हुई है वो निराशा भी निकल करके जा रही है। आपके अंदर जो उदासी है वो उदासी भी निकल करके जा रही है। आपका जो नुकसान हुआ है, आप जो असफल हुए हैं, आप जो फेल हुए हैं, वो चीजें आपके जीवन को छोड़ करके जा रही हैं। आपके जीवन पर एक निशान सा पड़ गया है, निशान ऐसा एक निशान जैसा पड़ा हुआ है आपके जीवन पर, और ऐसा एक दाग जैसा पड़ा हुआ है जिसे आप कभी भूल नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर की सामर्थ उन निशानों को, चाहे कितने भी गहरे क्यों ना हो, उनको मिटाया रहा है। उनकी पवित्र उपस्थिति के सामने आपका कोई भी गुनाह टिक नहीं सकता। यदि आप उसको अपने दुखों के मध्य में हैं, यदि आप सारे हृदय, सारी आत्मा, सारी शक्ति और बुद्धि के साथ में उसे पुकार रहे हो और उसके आगे रो रहे हो और या पश्चाताप कर रहे हो या माफी मांग रहे हो या कह रहे हो प्रभु मुझ पर रहम कर दे, या कह रहे हो प्रभु मुझे बचा ले, मेरा तेरे सिवाय कोई नहीं है, मेरी मदद कीजिए, तो मैं जानता हूं मेरे भाई, उनकी पवित्र उपस्थिति, उनकी मौजूदगी, उनका आपके नजदीक होना आपको रोशन कर रहा है, आपको प्रकाशमान कर रहा है, आपके अंदर उसकी रोशनी आ रही है। परमेश्वर का नूर जो मूसा के चेहरे पे चमका, परमेश्वर का नूर जो उसके पुत्र यीशु के ऊपर ऐसा चमका कि उसके चेले उस पर आंख ना गड़ा पा रहे थे, उनके कपड़े ऐसे चमक रहे थे उस रूपांतरण के पहाड़ पर, वही चमक, यस रिसीव करना, वही चमक तेरे जीवन के ऊपर में आए,
वही चमक तेरे परिवार के ऊपर आए, वही चमक तेरे बच्चों के ऊपर आए, वही चमक तेरे खानदान के ऊपर आए, वही चमक तेरे जीवन में आए और तेरे जीवन का अंधेरा जाता रहे, तेरे रोगों का अंधेरा जाता रहे, तेरी असफलताओं का अंधेरा जाता रहे, तेरे पापों का अंधकार तुझे छोड़ करके जाए, वो विचार जो तुझे काटते रहते हैं दिन रात वो छोड़ करके जाए तुझे, वो निराशाओं के बंधन तुझे काटते रहते हैं, तू एक एक मिनट के अंदर दुखी होता रहता है, वो जाए 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 यीशु के नाम से, जाए यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। रिसीव करो, 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 ग्रहण करो, ग्रहण करो, ग्रहण करो। ओ धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद, धन्यवाद। छुए छुए एक एक को, छुए 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 छुए, आप रिसीव करो इस समय, छुए छुए छुए। जो बेरोजगार है उसे आप छुएं, जो निसंतान है उसे आप छुएं, जो दुखी है उसे आप छुएं, जो टूटा हुआ है प्रभु आप उसे छुएं, जो बीमार है उसे आप छुएं, जो जिसका पैसा फंस गया प्रभु आप उसे छुएं, जिसको फंसा दिया गया कहीं ना कहीं उसे आप छुएं, जिसके साथ धोखा किया गया प्रभु आप उसे छुएं, स्पर्श करें, जिसके पति पत्नी के बीच में कोई ना कोई बवाल चल रहा है उसे आप छुएं, जिनके पति पत्नी के बीच में तलाक का माहौल हो गया है प्रभु आप उन्हें छुएं, जिनके बच्चों के बीच में और माता पिता के बीच में प्रभु जी ताना तानी हो गई है छुएं उन्हें, जहां पर परिवार टूटने वाला है प्रभु आप उन्हें छुएं, जिनके घरों में झगड़े होते हैं प्रभु आप उन्हें छुएं, उनके साथ चमत्कार होने दे, जो रिसीव कर रहे हैं, जो ग्रहण कर रहे हैं, जो विश्वास कर रहे हैं कि तू इस समय उनको छू रहा है, जिनको विश्वास है कि सचमुच में प्रभु मेरी सुन रहा है, उनके साथ हो जाए मैं कहता हूँ, हो जाए यीशु के नाम से, हो जाए मैं प्रार्थना करता हूँ, हो जाए। आपको रिसीव करना है, सोना बंद करो, आंखें 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 बंद करके सोना बंद करो, बल्कि आंखें बंद करके प्रार्थना कर मेरे भाई मेरी बहन, प्रार्थना का ये समय है, इसमें चूक ना जा। मैं जानता हूँ प्रभु, प्रभु आप में से कई लोगों को स्पर्श कर रहे हैं, छू रहे हैं, छू रहे हैं, छू रहे हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हार्ट प्रॉब्लम ठीक हो रही है, किसी को पीठ में, पीठ में, पीठ में कुछ घाव जैसे, कुछ निशान जैसे हैं और प्रभु उसको ठीक कर रहा है, किसी को पीठ में घाव या फिर निशान जैसा है, मुझे नहीं मालूम कैसा वो, लेकिन प्रभु आपको ठीक कर रहा है इस समय, प्रभु आपको चंगा कर रहा है, प्रभु आपको चंगा कर रहा है। किसी की मानसिक प्रॉब्लम है, मानसिक प्रॉब्लम है, प्रभु आपको चंगा कर रहा है। किसी का गुप्त रोग इसी समय चंगा हो रहा है। किसी की टीवी की प्रॉब्लम, ट्यूबरक्लोसिस की प्रॉब्लम ठीक हो रही है। कोई व्हील चेयर पर बैठा हुआ प्रार्थना कर रहा है, इस समय जोर लगा रहा है उठने के लिए, मेरे भाई प्रभु तुझे इस समय उठा रहा है। रिसीव योर हीलिंग राइट नाउ, ठीक खड़े हो जाओ यीशु के नाम से, खड़े हो जाओ यीशु के नाम से। हाथ किसी का नहीं उठता है, दायां हाथ किसी का नहीं उठता है, दायां हाथ उठ रहा है इस समय। रिसीव करो, रिसीव करो। आप गवाही देने के लिए तैयार हो जाओ मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु आपको इस समय गवाह बना रहा है। कोई ऐसे प्रार्थना कर रहा है कि मुझे पैसे की कमी है, प्रभु मेरे लिए प्रबंध कर दे, प्रभु आपके पैसे की कमी को पूरा कर रहा है इस समय। प्रभु किसी के बैंक बैलेंस को बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है। रिसीव कर, रिसीव कर, रिसीव कर। कल सुबह तू एक गुड न्यूज सुनने वाला है, रिसीव कर, रिसीव कर। कल सुबह तू एक गुड न्यूज, अच्छी अच्छी खबर तू सुनेगा अपने बारे में, तेरा मन आनंदित हो जाएगा। रिसीव कर, विश्वास कर, विश्वास कर, विश्वास कर। किसी का पति अपनी पत्नी के साथ धोखा कर रहा है, लेकिन कुछ ही दिनों में वो पश्चाताप करके आपकी तरफ लौट के आ रहा है। मैं देखता हूँ वो लौट के आ रहा है, पश्चाताप करके माफी मांगते हुए लौट करके आ रहा है। थैंक यू जीसस। कोई अपने बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहा है, आपका बच्चा इस समय जो बीमार है वो ठीक हो रहा है, बीमार है वो ठीक हो रहा है। किसी के शरीर में बहुत सारे दाने दाने से मैं देखता हूँ प्रभु आपके उन दानों को मिटा रहा है। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का चंगाई करने वाला हाथ, वो हाथ जिसमें उसने कहा था थॉमस से की उंगली डाल इसमें, देख कि मैं सच में हूँ, वही हाथ आपको इस समय छू रहा है, वही हाथ आपको छू रहा है। रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें। किसी के प्लॉट में, प्लॉट प्लॉट की कोई बात चल रही है, कोई प्लॉट की बात चल रही है, उसे खरीदने के लिए कोई बात चल रही है, आपके पास इंतजाम नहीं है उसको खरीदने के लिए, लेकिन परमेश्वर मुझे दिखाता है अद्भुत रीति से तेरे पास इंतजाम होगा और तू उस प्लॉट को खरीद पाएगा। मैं इसको डिक्लेयर कर देता हूँ, मैं इसको बांध देता हूँ यीशु के नाम से कि तेरे साथ ऐसा ही हो। रिसीव कर, रिसीव कर, रिसीव कर, रिसीव कर, रिसीव कर, रिसीव कर, ग्रहण कर, ग्रहण कर, ग्रहण कर मेरे भाई, ग्रहण कर, ग्रहण कर, ग्रहण कर। कोई टेम्पो लेगा, कोई टेम्पो, टेम्पो मैं देखता हूँ, कोई टेम्पो, टेम्पो लेने के लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई टेम्पो लेने के लिए प्रार्थना कर रहा है।
प्रभु आपको आशीष दे रहा है, आशीष दे रहा है, आशीष दे रहा है, आशीष दे रहा है, आशीष दे रहा है। कोई बस ड्राइविंग करते हैं, प्रभु आपको आशीष दे रहा है, आशीष दे रहा है। रिसीव कर, रिसीव कर, रिसीव कर, रिसीव कर, रिसीव कर, ग्रहण करो, ग्रहण करो, ग्रहण करो, ग्रहण करो। कोई अपनी मम्मी के लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई अपने पापा के लिए प्रार्थना कर रहा है, उनके लिए प्रार्थना सुनी जा रही है, सुनी जा रही है, सुनी जा रही है। किसी के स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, प्रभु आपके लिए प्रबंध कर रहा है। रिसीव कर, रिसीव कर। कई लोगों को, आप में से कई लोगों को आने वाले हफ्ते में, इस हफ्ते में, आने वाले हफ्ते में आपको नौकरी की आशीष परमेश्वर दे रहा है। नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मार्च महीने में आप में से कई लोगों की नौकरियां लगेंगी। रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। किसी का वीजा, वीजा अप्रूव होके आ रहा है, वीजा अप्रूव होके आ रहा है। रिसीव कर, रिसीव कर, रिसीव कर, रिसीव कर, रिसीव कर। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका गलत संबंध है, गलत संबंध है। आप धोखा दे रहे अपने परिवार वालों को, अपनी पत्नी को, अपने अपने पति को। छोड़ दें उसे, नहीं तो इसका भयानक परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है। आपके शरीर में बीमारियां हो जाएंगी अगर आप नहीं छोड़ेंगे। गुनाह और पाप या फिर पीना खाना आप नहीं छोड़ेंगे, आपके शरीर में बीमारियां होंगी। ये परमेश्वर की ओर से उन लोगों के लिए चेतावनी है जो गुनाह और पाप करते हुए सोचते हैं आशीष मिल जाएगी। आपको चेतावनी दे रहा है पवित्र आत्मा, इस समय उसे छोड़ें, उन बातों को छोड़ें जिनसे प्रभु को घृणा है। उस रास्ते को छोड़ें जिस रास्ते पर प्रभु को घृणा है, जिस रास्ते से प्रभु पसंद नहीं करता, जो वचन के विरोध में, उन रास्तों से अपना पैर, अपने कदम को पीछे खींचे। अन्यथा आपके साथ सही बात नहीं घटेंगी, जो आप बो रहे हैं उसे आप काटेंगे। प्लीज प्लीज प्लीज, उसका अनुरोध है आपसे, छोड़ दें, छोड़ दें, छोड़ दें। नशा करना छोड़े, बीड़ी पान तंबाकू जो खाते हो आप, लेते हो आप, छोड़ो उसे, नहीं तो यही आपके लिए कैंसर का, या फिर एलर्जी का, या फिर गठिया का, या फिर फेफड़े में पानी भर जाएगा, या फिर कोई प्रॉब्लम आपको होगी, आंखों में कोई प्रॉब्लम होगी। प्लीज इसे छोड़े, 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 छोड़े। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं जो कह रहा हूँ प्रभु इनके लिए होने लग जाए। कान किसी के बंद हैं, वो कान इस समय खुल रहे हैं, खुल रहे हैं। कान किसी के बंद हैं, वो खुल रहे हैं इस समय। रिसीव करो, किसी के बंद कान इस समय खुल रहे हैं, किसी के बंद कान इस समय खुल रहे हैं। ओ, किसी को बहुत ही तेज गुस्सा आता है, उसको इस समय छुटकारा मिल रहा है, छुटकारा मिल रहा है। वासना के विचार जिसको आते हैं वो इस समय छुटकारा पा रहा है, वासना के विचारों से छुटकारा मिल रहा है आपको। आप में से कोई ऐसा है जो अपने मोबाइल में से गलत चीज़ों को डिलीट कर रहा है, डिलीट, गलत चीज़ें आप डिलीट कर रहे हैं अपने मोबाइल से, प्रभु आपको इस समय आशीष दे रहा है। रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें। आपके साथ चमत्कार हो रहा है मेरे भाई, मेरी बहन, आपके साथ चमत्कार हो रहा है। जिसको पेट में प्रॉब्लम है वो इस समय चंगा हो रहा है। रिसीव करो, रिसीव करो, ग्रहण करो। विश्वास करना चाहिए, बाइबल कहती है विश्वास कर कि जो तूने मांगा तुझे मिल गया, तुझे दिया जाएगा। विश्वास करने वालों के लिए हो जाता है, विश्वास करने वाले के लिए हो जाता है। आप इसका इंतजार ना करें, इन्होंने मेरे बारे में तो बोला नहीं तो मैं कैसे मानूं। आप विश्वास करो, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है विश्वास। हम आंखों देखी बातों पर नहीं, विश्वास पर चलते हैं। आंखों देखी बातों पर नहीं, विश्वास के अनुसार चले, विश्वास के अनुसार। इस समय विश्वास कर लो कि आपको मिल गया है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। विश्वास करो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, यीशु ने आपको छुआ है, स्पर्श किया है। मैं आपको आशीष देता हूं, आप रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। आमीन, 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 आमीन। यीशु की महिमा हो, आराधना हो, सारी महिमा सारा आदर हम यीशु मसीह को देते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। यदि आप इस प्रार्थना द्वारा आशीषित हुए हैं तो कृपया अपनी गवाही की वीडियो बनाकर व्हाट्सएप नंबर 6398779772 पर भेजें। आप अपनी प्रार्थना निवेदनों को 9456596390 पर प्रातः 10:30 से दोपहर 2 के बीच कॉल कर बता सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए गए ईमेल एड्रेस पर भी आप संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं। यदि आप इस मिनिस्ट्री द्वारा सुसमाचार को फैलाने में आर्थिक सहायता करना चाहते हैं या आर्थिक रूप से बीज बोना चाहते हैं, तो सामने दिए गए डिटेल पर ऑनलाइन या ऑफलाइन कर सकते हैं। भारत के बाहर से भेंट भेजने के लिए व्हाट्सएप नंबर 6398779772 पर संपर्क करें। प्रभु यीशु मसीह की आशीष आप पर और आपके परिवार पर
हमेशा बनी रहे। आमीन। हम गाते हैं, ताली बजाते हैं, क्या ये आराधना नहीं है? क्या गाना सीखना और इंस्ट्रूमेंट सीखना सच्ची आराधना सीखने के बराबर है? स्तुति और आराधना एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन इनके कार्य और अनुभव बहुत अलग है। स्तुति की शुरुआत हमारे द्वारा की जाती है, लेकिन आराधना परमेश्वर का प्रतिउत्तर है। स्तुति हमारा परमेश्वर के लिए घर बनाना है। आराधना परमेश्वर का आकार ठहरना है। स्तुति संतुष्टि का परिणाम है, लेकिन आराधना भूख का परिणाम है। आराधना अपने आप नहीं, ये तो परमेश्वर पर निर्भर है। हम स्तुति के जरिए से आराधना में प्रवेश करना चाह सकते हैं, लेकिन ये परमेश्वर पर निर्भर है कि वह हमारी पहल का जवाब देगा या नहीं। सच तो ये है कि हम तब तक परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते जब तक कि हम पहले उसकी स्तुति न कर लें, और यह स्तुति सच्चाई से होनी चाहिए। नए विश्वासी परमेश्वर से स्वास्थ्य, धन और समृद्धि चाहते हैं। थोड़े परिपक्व विश्वासी परमेश्वर से अभिषेक, शक्ति और वरदान और अनुग्रह मांगते हैं। फिर भी जिन्हें परमेश्वर खोज रहा है वे सच्चे आराधक हैं। वे सामान्य मनुष्य नहीं, उन्हें परमेश्वर के मित्र के रूप में पहचाना जाता है। यही कारण है कि इब्राहिम, मूसा और दाऊद परमेश्वर के इतने घनिष्ठ मित्र थे। कृपया ध्यान दें, अशोक मार्टिन मिनिस्ट्री की एप्लीकेशन अब से गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर पर अशोक मार्टिन लिखकर सर्च कर सकते हैं। सर्च करने पर अशोक मार्टिन मिनिस्ट्री की एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी, जिसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में आप अशोक मार्टिन मिनिस्ट्री की हर दिन की लाइव प्रार्थना, दैनिक आहार, गीत और अन्य वीडियोस देख सकते हैं। आप इस दिए गए फॉर्म को भरकर अपने प्रार्थना निवेदन हमें भेज सकते हैं। इस एप्लीकेशन में आपको जोन रावत प्रे टावर, जो कि अशोक मार्टिन मिनिस्ट्री की मेन ब्रांच है, उसका पता, लोकेशन सहित मिल जाएगा। दशमांश और भेंट भेजने के लिए आप इस आइकन पर क्लिक करें, गिव ऑफरिंग्स में जाएं और इन डिटेल्स को फॉलो करें। यदि आप खुद से अशोक मार्टिन मिनिस्ट्री की प्रार्थना सभा आयोजित करवाना चाहते हैं, तो इस आइकन पर क्लिक करके इवेंट्स में जाकर ऑर्गेनाइज इवेंट्स के इस फॉर्म को भरकर हमें भेज सकते हैं। धन्यवाद।